ग्री ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है आज हम इलेवन का ऑप्टिक्स का वन शॉट वीडियो देखने वाले या क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं वैसे भी डिटेल डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है हम इसका क्विक रिवीजन आज करने वाले हैं तो देखो ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स लाइट से रिलेटेड होता है ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड होता है लाइट से जनरली जब पहली बार लाइट का स्टडी किया तो ऐसे माना गया कि लाइट सिर्फ देखने के लिए यूज़ होती है लाइट इज ए एनर्जी जो हमारी आंखों में जाती है रेटिना पे इंसिडेंट होती है उससे हमें ऑब्जेक्ट क्या होते हैं विजिबल होते हैं तो उस एनर्जी को क्या कहा जाता है लाइट कहा गया ठीक है बाद में उस पर रिसर्च हुए तो हमें क्या पता चला सो फॉर्म ऑफ रेडिएट एनर्जी विच मेक ऑब्जेक्ट विजिबल ये समझ में आ गया देन प्रोपोगेट इन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ मीडियम सो लाइट इज बाद में हमें क्या पता चला ये प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ मीडियम में भी ट्रेवल कर सकता है तो लाइट ई एम वेव होता है तो उसके पास वेव नेचर होता है ये हमारे हमें पता चला देन सेंचुरी में जैसे जैसे स्टडी बढ़ा क्वांटम मैकेनिक्स का स्टडी आया तो क्वांटम थेरी ने कहा, कहा कि लाइट पार्टिकल है लाइट क्या है पार्टिकल है तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से हमें पता चला कि लाइट पार्टिकल है जिसे कहा गया फोटोन उस पार्टिकल को क्या कहा गया फोटोन कहा गया एंड फोटोन आर एनर्जी कैरियर पार्टिकल फोटो क्या होते हैं एनर्जी कैरियर पार्टिकल मीन अगर सन से लाइट आ रहे हैं तो वहां से फोटोन आ रहे हैं जो कि एनर्जी को कैरी करते हैं लाइट को अब कंफ्यूजन हो गया कि लाइट ई एम वेव है या फिर फोटोन है तो लाइट दोनों भी नेचर शो करता है लाइट दोनों भी नेचर शो करता है सो लाइट कंसिस्ट ऑफ एनर्जी कैरियर फोटो गाइडेड बाई द रूल ऑफ ई एम वेव लाइट किससे बना होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ एनर्जी कैरिंग एनर्जी कैरियर फोटॉन्स गाइडेड बाय द रूल ऑफ ई एम वेव तो ये फोटो से बना होता है जो ई एम वेव के रूल भी फॉलो करते हैं ठीक है ये समझ में आ गया देन आते हैं वेलोसिटी पे वेलोसिटी न्यूटन ने अगर आइंस्टाइन रिलेटिविटी थ्योरी आपने पढ़ा होगा तो उस हिसाब से इसे लाइट का जो स्पीड है उसे हाईएस्ट माना गया है रिलेटिविटी रिलेटिविटी थ्योरी में क्या कहा गया है कि हाईएस्ट स्पीड कौन सा है लाइट का स्पीड है वो कितना है सी इज इक्वल टू टू नाइन नाइन सेवन नाइन टू फोर फाइव एट मीटर पर सेकेंड इतना इसको हम अगर प्रैक्टिकल परपज के लिए यूज करते हैं तो इसको राउंड फिगर लिया जाता है दैट इज थ्री इंटू टेन रेस्टू एट मीटर पर सेकेंड ये लाइट का स्पीड हम कंसिडर करते हैं सी इज इक्वल टू इसको क्या कहा जाता है सी सी इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन रेस्टू एट मीटर पर सेकेंड अब जो लाइट के फेनोमिन लाइट का जो स्टडी किया जाता है वो तीन कंसेप्ट में किया जाता है या फिर कॉमनली ऑब्जर्व फेनोमिन ओके okay. कौन से कौन से लाइट के ऑब्जर्व करते हैं तो उसको तीन पार्ट में स्टडी करना होता है फर्स्ट रे ऑप्टिक्स और जोमेट्रिकल सा है जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स अभी रे ऑप्टिक्स या जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स है क्या इसमें माना जाता है कि लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन और जो भी एनर्जी सोर्स से निकलती है लाइट के सोर्स से निकलती है वो कैसे जा रही है एक सिंगल डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहे है. तो ओके एनर्जी ट्रेवल इन एनर्जी ट्रेवल इन सिंगल डायरेक्शन और उसी को कहा गया रे उसी को क्या कहा गया रे मिस इस तरह से हम दिखाते हैं ना तो एनर्जी ट्रेवल इन अ सिंगल डायरेक्शन अगर लाइट एक सिंगल डायरेक्शन में जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं रे कहते हैं ठीक है थीके? अब इसके ऊपर हमें स्टडी करना है इस Concepts के नीचे या इस फेनोमोन के नीचे हमें स्टडी करना है, reflection, 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 reflection. ये सारे जो है वो किस में आते हैं जोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आते, या में आते? ये समझ में आ गया देन सेकेंड कंसेप्ट है फिजिकल ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स इसी में माना जाता है कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसमें क्या माना जाता है लाइट इज अट इज ई एम वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ऐसे भी साउंड में हमने स्टडी किया इलेक्ट्रिक मैगनेटिकलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर ट्रेवल करते हैं ठीक है, है? ये हमने स्टडी स्टडी किया है लाइट इज वेव अब यहां हम करते कि इंटरफरेंस किस में आते हैं वेव ऑप्टिक्स में आते हैं कि लाइट मिक्स हो रहा है या बेंड हो रहा है तो लाइट इंटरफरेंस डिफ्रैक्शन ये सारे फेनोमिन इसमें आते हैं ठीक है ये हमें ट्वेल्थ में स्टडी करना है ये हमें ट्वेल्थ में स्टडी करना है देन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट तो इसमें क्या माना जाता है लाइट इज अ पार्टिकल जिसे कहा गया है फोटोन जिसे क्या कहा गया है फोटोन लाइट इज अ फोटोन एनर्जी कैरीअर एनर्जी कैरियर पार्टिकल तो जो पार्टिकल लाइट एनर्जी कैरी करता है उसे क्या कहा जाता है फोटोन तो ये पार्टिकल नेचर शो करता है तो इसमें जो कंसेप्ट पड़ना है देट इज अ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देन स्पेक्ट्रल लाइन जो फॉर्म होती है

मिरर के बारे में हमने सीखा या फिर लेंस से लेंस से या फिर प्रिज्म से ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट से जो भी इमेज बनता है इसका स्टडी रे ऑप्टिक्स में किया जाता है अब ये रे ऑप्टिक्स चार लॉ पे बेस है ये रे ऑप्टिक्स चार लॉ पे बेस है सो इट इज बेस्ड ऑन द फोर फंडामेंटल लॉज एंड प्रिंसिपल कौन से कौन से फर्स्ट लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ होमोजेनियस एंड आइसोट्रोपिक मीडियम ओके होमोजेनियस हर जगह से ऑब्जेक्ट अंदर बाहर सेम हो उसे कहा जाता है होमोजेनियस सब जगह सेम है और डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टी अगर सेम हो किसी भी डायरेक्शन में जाओ तो प्रॉपर्टी होगी? होगी, तो तो में, में, में ट्रेवल करती है ठीक है यह समझ में आ गया देन सेकेंड लॉ क्या कहता है टू और मोर रेज कैन इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट विदाउट अफेक्टिंग देयर पाथ बियॉन्ड पॉइंट्स तो दो या दो से ज्यादा रे इंटरसेक्ट कर सकते हैं एक सिंगल पॉइंट पे, लेकिन वो अपने पाथ में या उन दोनों में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा जैसे आए वैसे चले गए वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करेंगे ठीक है एक दूसरे का पाथ अफेक्ट नहीं करेंगे तो ये क्या कहता है टू और मोर रेज कैन बी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट दो या दो से ज्यादा रे इंटरसेक्ट हो सकती है एक पॉइंट पे विदाउट अफेक्टिंग पाथ बियॉन्ड द पॉइंट इस पॉइंट के बियॉन्ड वो अपने पाथ को अफेक्ट नहीं करता दूसरे के पाथ को अफेक्ट नहीं करता अपने अपने रास्ते चले जाते अपने अपने रास्ते चले जाते ये समझ में आ गया देन नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन उसमें दो स्टेटमेंट है उसमें दो स्टेटमेंट है उसका डायग्राम भी हमने ड्रॉ किया था अगर एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है देन अगर उस पर लाइट इंसिडेंट करती है उस पर लाइट इंसिडेंट करती है तो क्या होगा इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ये हो गया नॉर्मल हमारा ये हो गया इंसिडेंट रे ये रे इंसिडेंट हो रही है ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे ठीक है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे ओके इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट लाइज इन अ सेम प्लेन लाइज इन अ सेम प्लेन एंड अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल ये समझ में आ गया इंसिडेंट रे एंड अपोजिट अपोजिट साइड साइड ऑफ नॉर्मल होते ये हमारा नॉर्मल ये हो गया फर्स्ट लॉ मीन्स इसका फर्स्ट स्टेटमेंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का देन सेकेंड लॉ क्या कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट

ये तो हो गया रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या होता है नेक्स्ट लॉ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा हो गया अब आते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ठीक है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहता है Refraction में दो मीडियम लेने पड़ते पड़ते हैं में क्या लेने पड़ते? ये है इंटरफेस ऑफ टू मीडियम अगर यहां मीडियम वन है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन वन है यहां मीडियम टू है जिसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स एन टू है वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम मीडियम वन टू मीडियम टू ओके तो क्या होगा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी इस तरह से यहां हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं यह हमारा नॉर्मल ये इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड रे तो क्या कहता इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे

याद रखना है ठीक है. है तो ये एक रिलेशन है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और एंगल के बीच का तो ये भी हमें कौन कहता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो ये चार लॉ समझ में आगे चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हमारे अगर हमें रे ऑप्टिक्स यूज़ करना है या इमेज फॉर्मेशन स्टडी करना है बाय लेंस बाय मिरर्स तो हमें साइन कन्वेंशन यूज़ करना पड़ता है क्या यूज़ करता है साइन कन्वेंशन मीन्स कौन सी रे को पॉजिटिव ले ले कौन सी रे को नेगेटिव ले ले कौन सा इमेज पॉजिटिव ले ले कौन सा इमेज निगेटिव ले ले तो ये सारे मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या निगेटिव है हाइट पॉजिटिव है या हाइट निगेटिव है ये सब हमें जज करना पड़ता है उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ता है

स्टडी किया है तो यही सिस्टम हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन के लिए सेम सिस्टम हम यूज करेंगे साइन कन्वेंशन के लिए ठीक है इसके पॉइंट हम शॉर्ट में देख लेते हैं साइन कन्वेंशन यूज कैसे करना है तो पहला पॉइंट कहा गया है ऑल डिस्टेंसेस ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर और पोल सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे ऑप्टिकल सेंटर या पोल से ऑप्टिकल सेंटर मीन्स अगर लेंस यूज कर रहे हो तो लेंस का जो सेंटर होता 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 है उसे कहा जाता है ऑप्टिकल सेंटर या मिरर यूज कर रहे हो तो मिरर के सेंटर को हम पोल कहते हैं मिरर के सेंटर को क्या कहते हैं पोल तो यहां से ये डिस्टेंस मेजर किया जाएगा पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से ठीक है मींस हम क्या करेंगे जो भी हमारा लेंस या जो भी हमारा मिरर है उसको हम कहा रखेंगे उसको हम रखेंगे बिल्कुल जहा जीरो होगा वहां जहां जीरो होगा लाइन का जीरो होगा वहां हम हाँ वो पोल को रख देंगे तो सारे डिस्टेंस से मेजर किए जाएंगे ये समझ में आ गया Then, next, next point हमें लेफ्ट टू राइट हमेशा इंसिडेंट रे कहां से आना चाहिए लेफ्ट साइड से और राइट right तरफ जाना चाहिए हमेशा इंसिडेंट रे लेफ्ट साइड से आना चाहिए और राइट right साइड में जाना चाहिए मीन इस तरह से ड्रॉ होगा लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट मीन्स ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहेगा ये हमेशा याद रखना है ऑब्जेक्ट हमेशा कहां रहेगा लेफ्ट में और वहां से इमेज फॉर्मेशन के लिए रे आगे आएगा तो ऑब्जेक्ट से जो भी रे आ रहा है वो लेफ्ट टू राइट ट्रेवल करेगा ठीक है ये समझ में आ गया देन नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या कहा है हमें एक्स एक्सिस कैन बी कन्वीनियंटली चूजन एज द प्रिंसिपल एक्सिस विद ओरिजिन एज एट द पोल एक्स एक्सिस को हम क्या कहेंगे एक्स एक्सिस एक्सिस को हम प्रिंसिपल कहेंगे यहाँ जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा एक्स एक्सिस एक्सिस प्रिंसिपल और उसके सेंटर पे पोल होगा उसके सेंटर में क्या होगा pole होगा पोल तो ये जो भी आपको लेंस रखना है मिरर रखना है वो आपको कहा रखना पड़ेगा इस सेंटर पे रखना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ से पोल स्टार्ट होगा और ये हमारा एक्स एक्सिस पे क्या होगा प्रिंसिपल एक्सिस तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा एक्स एक्सिस एक्स एक्सिस हमारा क्या होगा, होगा. Right right प्रिंसिपल एक्सिस ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा ठीक है देन डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव एंड डिस्टेंस टू राइट ऑफ द पोल आर पॉजिटिव पोल के राइट तरफ के डिस्टेंस क्या हो गए सारे पॉजिटिव ये डिस्टेंस सारे पॉजिटिव देखो याद दिखाया गया है और पोल के लेफ्ट साइड के डिस्टेंस क्या होंगे सारे निगेटिव ये सारे डिस्टेंस निगेटिव जैसे एक्स एक्सिस में होता है जैसे एक्स एक्सिस में होता है पोल के राइट right साइड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव पोल के लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्टेंस निगेटिव ठीक है ये समझ में आ गया देन डिस्टेंस अबाउट द प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले सारे डिस्टेंस क्या होंगे पॉजिटिव जैसे वहा एक्सिस पे होता है ये सारे डिस्टेंस यहाँ के पॉजिटिव ऊपर वाले सारे डिस्टेंस पॉजिटिव एंड डिस्टेंस डिस्टेंसेस बिलो द प्रिंसिपल एक्सेस आर निगेटिव पोल के नीचे वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे वो निगेटिव होंगे वो सारे क्या होंगे निगेटिव होंगे ठीक है ये समझ में आ गया कट ये पॉइंट समझ में आ गए ठीक है सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे पोल से सारे डिस्टेंस पोल से ऑप्टिकल सेंटर ओके देन जो भी रे आएगा वो कहाँ से आएगा लेफ्ट से आएगा राइट की ओर जाएगा कोई भी डायग्राम में आप देखो कोई भी रे डायग्राम आप देख लो लेफ्ट से रे आता है राइट साइड से आता है ठीक है देन जो भी हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा वो हमारा एक्स एक्सिस होगा और पोल उसके सेंटर में होगा पोल के राइट साइड वाले डिस्टेंस पॉजिटिव लेफ्ट साइड वाले नेगेटिव पोल प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाले डिस्टेंस पॉजिटिव नीचे वाले डिस्टेंस निगेटिव ये पॉइंट समझ में आ गया ये हो गया हमारा कार्टिशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही साइन कन्वेंशन सिस्टम है कार्टिशियन साइन कन्वेंशन सिस्टम ठीक है एक्सो तो एक्सिस एकस्वा वाला ही याद कर लेना है तो हमेशा ये याद रहेगा। नेक्स्ट आते हैं हम रिफ्लेक्शन पे किस पे आते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन अब reflection, पहला जो रिफ्लेक्शन में टॉपिक है हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लिया रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं इफ लाइट ट्रेवल इन सेम मीडियम आफ्टर इंसिडेंट ऑन अ मीडियम देन इट इज नोन एज अ रिफ्लेक्शन लाइट बाउंस बैक इन अ सेम मीडियम

तो वो उस इमेज का हम स्टडी करने वाले अगर प्लेन सरफेस से इमेज फॉर्म होता है तो किस तरह से होता है तो देखो क्या क्या कहा है इफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस द इमेज इज इमेज कैसी होगी ठीक है अब देखो अगर कोई बंदा मिरर के सामने खड़ा है ये हमारा मिरर है मीन प्लेन सरफेस है मीन क्या है प्लेन सरफेस यहां कोई खड़ा हुआ है तो क्या कहा गया है इफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन सरफेस ऑब्जेक्ट कहां खड़ा है इन फ्रंट ऑफ प्लेन सरफेस द इमेज इज वर्चुअल अब इमेज इज वर्चुअल मीन्स मिरर के अंदर अगर इमेज फॉर्म हो रही है तो वर्चुअल अगर बाहर फॉर्म हो रही है तो रियल तो इमेज कहा अगर आप आईने के सामने खड़े तो हो so तो इमेज कहाँ फॉर्म होगी अंदर सो इट इज अ वर्चुअल तो इमेज कहा फॉर्म होगी आईने के अंदर फॉर्म होगी ठीक है

सेम साइज एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एट अ सेम डिस्टेंस एंड एट अ सेम डिस्टेंस एट दैट ऑफ ऑब्जेक्ट जितने दूर प्लेन सरफेस से ऑब्जेक्ट खड़ा होगा उतने ही दूर प्लेन सर्फेस से इमेज फॉर्म होगा ठीक है तो चार कंसेप्ट समझ में आ गया अगर हम प्लेन सर्फेस के सामने प्लेन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के सामने खड़े हो तो इमेज कैसे बनता है वर्चुअल सेम साइज ओके वर्चुअल सेम साइज लेटरली इनवर्टेड लेकिन यह कहां फॉर्म होता है बट अदर साइड ऑफ रिफ्लेक्टिंग सर्फेस रिफ्लेक्टिंग सर्फेस के दूसरे साइड में यह फॉर्म होता है यह समझ में आ गया देन सेकंड पॉइंट इफ ऑब्जेक्ट इज केप बिटवीन द टू प्लेन मिरन इनक्लाइड एंड एंगल थीटर अब यही कंसेप्ट आप वॉटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप स्टिल वॉटर में देख रहे हो और आपका इमेज अगर बन रहा है तो यही सारे कंसेप्ट होंगे वो वर्चुअल होगा लेटरली इन्वर्टेड होगा सेम साइज होगा एंड एट अ सेम डिस्टेंस होगा ठीक है अगर आप पानी के अंदर देख रहे हो अब आते हैं ये हो गया प्लेन सरफेस की बात अगर हमारे पास ऐसे मिरर है कि जो एट सर्टन एंगल ठीक है दो मिरर है यहां एक मिरर और यहां एक इस तरह से दो मिरर है हमारे पास दो मिरर है मिरर वन मिरर टू दो मिरर है हमारे पास ठीक है इनक्लाइन एट एंगल थीटा इन दोनों में एंगल कितना है थीटा इन दोनों में एंगल कितना है थीटा है देन अगर इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा इसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट रखा तो कितनी इमेजेस फॉर्म होगी कितनी इमेजेस फॉर्म हो गए वो कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है उससे पहले ऑलरेडी हमने ये स्टडी किया है तो एक बात बता देता हूँ इसमें हमें दो पोजिशन लेने होते हैं अगर इस एंगल को हम डिवाइड करते हैं तो इसे कहते हैं एंगल बाई इसे क्या कहते हैं एंगल बाई तो ऑब्जेक्ट एक तो एंगल बाई होगा किस पे होगा एंगल बाई पे होगा या फिर ऑफ द एंगल बाई होगा ऑब्जेक्ट हम कहा रखेंगे एक तो एंगल बाई पे रखेंगे या एंगल बायसेक्टर के बाहर कहीं भी रख सकते तो ये दो पोजीशन हमारे पास होती है ये दो पोजीशन हमारे पास होती है ऑब्जेक्ट ऑन द एंगल बाय और ऑफ द एंगल बाई ठीक है तो ये दो पोजिशन हमारे पास है या फिर कभी कभी केस होता है कहीं भी रख दो एंगल बाइ सेक्टर पे रख दो या फिर बाहर रख दो कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं तो चलो अब हम इमेज को कैलकुलेट करते हैं कि इमेज कैलकुलेट कैसे किया जाता है तो हमारे पास फॉर्मूला है स्मॉल एन इज इक्वल टू क्या है हमारे पास फॉर्मूला स्मॉल एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी बाया पहले इसको कैलकुलेट करना होता है एंड देन उसके बाद हम नंबर ऑफ इमेज नंबर ऑफ इमेज कैलकुलेट करते हैं कैपिटल एन जो किस पे डिपेंड होता है स्मॉल स्मॉल पे 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 किस डिपेंड 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 होता है N पे डिपेंड करता है है करता इसका आंसर कितना आता है? उसके ऊपर नंबर ऑफ इमेज करते हैं चलो देखते हैं किस तरह से वो फॉर्मूला देखो अब पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले हमें कैलकुलेट करना होगा स्मॉल एन का वैल्यू स्मॉल एन का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई थीटा इससे हमें क्या मिलेगा स्मॉल एन का वैल्यू Then हम find करेंगे स्मॉल एन का वैल्यू मिलने के बाद नंबर ऑफ इमेज सीन कितने इमेज हमें दिखाई अब ये किस पे करता करता है small के number. कैसे करता है हमारे पास चार केस है इफ एन इज अवन इंटीजर इफ एन क्या है इवन इंटीजर है एन का वैल्यू क्या आया इवन इंटीजर और ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा आंसर क्या आ रहा है इवन और ऑब्जेक्ट कहीं भी रखा हो तो इमेज कितनी फॉर्म होगी जो भी नंबर आया है एन उसमें से एक माइनस कर दो कैपिटल एन इज इक्वल टू एन माइनस वन कैपिटल एन इज इक्वल टू एन माइनस वन ये समझ में आ गया ये हो गया पहला केस इवन के लिए अगर एन का वैल्यू ऑड इंटीजर आया है एन का वैल्यू क्या आया है ऑड इंटीजर ठीक है अगर एन का वैल्यू ऑड इंटीजर आया है तो अगर हमने उसको ऑन एंगल बाई पे रखा है ऑब्जेक्ट कहां रखा है

एन का वैल्यू क्या होगा उस केस में एन का वैल्यू होगा एन इज इक्वल टू एन एन इज इक्वल टू एन जो भी नंबर आया है उतने इमेज फॉर्म होंगे ठीक है, है? है कोई पॉइंट में आंसर आ रहा है थ्री पॉइंट टू फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट वन टू ऐसा कुछ आंसर आ रहा है सो so, और ऑब्जेक्ट एनी वेयर ऑब्जेक्ट को कहाँ भी रखा है आप एंगल बाई सेक्टर पे रखो या ऑफ द एंगल बाई सेक्टर पे रखो एन का वैल्यू क्या होगा एन इज इक्वल टू एम वेर एम इज अंटीजर पार्ट ऑफ एन वेर एन इज अंज इंटीज इंटीजर पार्ट ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ एन तो एन में से इंटीजर वाला पार्ट हटा दो पॉइंट वाला पार्ट निकाल दो जो भी जीरो पॉइंट होगा उसको हटा दो जो भी इंटीजर है उसको हम कंसिडर करेंगे इमेज के तौर पे ठीक है एक एग्जांपल देखते हैं इसका सपोज हम एक एग्जाम्पल लेते हैं थीटा थीटा इज इक्वल टू डिग्री डिग्री का वैल्यू क्या लेते हैं 120 तो आते हैं पहले कैलकुलेट करते को यहां से ही स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मूला में देर फॉर एन का वैल्यू क्या होगा एन इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन आंसर आएगा 3. अब थ्री आंसर आया एन क्या है ऑड इंटीजर तो हमारे ये दो केस एक्टिवेट हो गए ऑड एंटीजर अब अगर हम अगर हम ऑब्जेक्ट को ऑन एंगल बाई सेक्टर रखते हैं ऑन एंगल बाई सेक्टर मीन्स अगर ऑब्जेक्ट हमारा इस तरह से है यहां पे ऑन एंगल बाई सेक्टर ऑन एंगल बाई सेक्टर तो ऑन एंगल बाई सेक्टर क्या होगा जो भी एंगल ऑन आं एंगल बाई सेक्टर अगर ऑन एंगल बाई सेक्टर रखा है तो इमेजेस कितनी बनेंगे एन इज इक्वल टू थ्री माइनस वन कितना बनेगा थ्री माइनस वन दट इज इक्वल टू टू और अगर हमने ऑफ द एंगल बाइसेक्टर रखा है यहां कहीं भी रखा है ऑफ द एंगल बाई सेक्टर तो फॉर्मूला क्या है एन इज इक्वल टू एन तो तीन इमेज बनेगी तो कितनी इमेज बनेगी तीन इमेज बनेगी ये समझ में आ गया इस तरह से हमें सॉल्व करना होता है तो आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए एंगल पता होना चाहिए एंड देन उसके बाद आपको पोजीशन पता होना चाहिए तो इन दो चीजों पे नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करते हैं अगर दो मिरर इंक्लाइन है तो दो मिरर इंक्लाइन है तो तो ये समझ में आया कंसेप्ट रिफ्लेक्शन के बारे में ठीक है <coughs> तो ये चार केस आपको याद होने चाहिए तभी आप नंबर ऑफ इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं तभी आप नंबर ऑफ इमेज को फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसको आपको थीटा की वैल्यू पुट करनी होगी देन स्मॉल स्मॉल निकालना होगा n को होगा को जज करना इवन है ऑड है या नॉट एन इंटीजर है उस हिसाब से आपको क्या करना होगा उसको सॉल्व करना होगा तो ये समझ में आ रहा है किस तरह से चल रहा है कंसेप्ट ओके okay. अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर्व मिरर वो क्या है रिफ्लेक्शन फ्रॉम कर मिरर तो अगर कर मिरर के बारे में स्टडी करे तो ऑलरेडी कर मिर हमने स्टडी किया दो टाइप के होते हैं कॉनवेक्स और कॉन्क्स और कॉन्क् कैसे बनते हैं पार्ट ऑफ स्पीयर अगर आप कोई भी स्पियर लेते हैं अगर आप कोई भी स्पीयर लेते हैं इस तरह से स्पियर है इस तरह से अगर हम इसको कट करते हैं अगर हम इसको कट करते हैं ऐसे इस तरफ से ऐसे कट किया इस साइड से या इस साइड से कट किया तो ये जो पोर्शन है ये जो पोर्शन है ये क्या बन सकता है मिरर बन सकता है अब डिपेंड करता है आप पॉलिश कहां से करते हो अंदर से पॉलिश करते हो तो अंदर से वो आपका इमेज दिखाई देगा तो वो होगा कॉनक्यू मिरर हो अगर बाहर से पॉलिश करते हो बाहर आपका इमेज दिखाई दे रहा है तो होगा कॉन्वेक्स मिरर ठीक है तो कॉनकेव और कॉनवेक्स ऐसे दो टाइप के मिरर बनते सो इट इज द पार्ट ऑफ इट इज द पार्ट ऑफ अ ग्लास स्पीयर इट इज द पार्ट ऑफ ग्लास स्पियर उसमें से ये कट किए हुए पार्ट होते हैं ये समझ में आ गया तो ये एक कंसेप्ट होता है जिसे कहा जाता है मिरर जिसे क्या कहा जाता है मिरर मिरर तो कितने टाइप टाइप के के हो हो गए गए दो ठीक है अब कर मिरर के कुछ टाइप ले लेते हैं या कुछ कंसेप्ट जो हमें सीखना है अब कर मिरर किससे बनते मिरर बन रहे हैं हमारे इस स्पियर से बन रहे ये ग्लास वाले स्पियर से बन रहे कर मिरर तो अब इसका जो सेंटर होगा इसका जो सेंटर होगा वही सेंटर इस मिरर का भी होगा वही सेंटर इस मिरर का भी होगा तो इसे इसे क्या कहते हैं सेंटर इसे क्या कहते हैं सेंटर होगा यही अपना मिरर का सेंटर और इस सेंटर से अगर हम रेडियस फाइंड करते तो दिस इज नोन एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मिरर का सेंटर होगा वो कहा होगा जहां भी स्पियर का सेंटर है वही सेंटर मिरर का भी सेंटर होगा कर्व का भी सेंटर वही होगा और सेंटर से अगर कर्व की तरफ हम लाइन ड्रॉ करते तो वो होता है रेडियस इट इज नोन एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर इसे हम क्या कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर ये समझ में आ गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर इस मिरर का हम सेंटर पॉइंट फाइंड आउट करते हैं इस तरह से मिरर है हमारे पास ये है हमारा कॉनकेव मिरर इन साइड हमने पॉलिश किया है इन साइड पॉलिश तो ये हमारा कौन सा है कॉनकेव और बाहर साइड अगर हमने पॉलिश किया है तो उसे हम क्या कहते हैं कॉनवेक्स ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर तो इसके जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ये जो दोनों के ज्योमेट्रिकल सेंटर है उसे क्या कहा जाता है पोल इसे कहा जाता है पोल। ज्योमेट्रिकल हम फोकस पॉइंट पे ठीक है अब फोकस पॉइंट के लिए ये हमें डायग्राम देखना पड़ेगा फोकस पॉइंट कहा जाता है देखो तो डायग्राम में क्या किया गया, आर समझ में आ गया है फोकस पॉइंट के लिए देखो पैरेलल रे आ रहे लेफ्ट टू राइट आ रहे रे आ रहे हैं किस पे इंसिडेंट हो रहे हैं ये हो रहे हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस पे किस पे कॉन्वेक्स लेंस पे इंसिडेंट हो रहे है. इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं इसे डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं जैसे ही रे आएगी ये रे आ रही है यहां ये देखो रे यहां से आ रही है और डाइवर्ज हो रही है और क्या हो रही है डाइवर्ज हो रही है ये रे आई यहां से डाइवर्ज हो गई मिरर पे इंसिडेंट होगी गई यहां से रे आ गई डाइवर्ज हो गई ये वे आ गई वापस रिटर्न हो गई यहां से वे आ गई यहां चली गई तो इस तरह से रे इस तरह से रे ट्रैवल कर रहे अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करते हैं इन रेज को हम पीछे एक्सटेंड करते हैं जो भी डाइवर्जिंग बीम है उसको हम पीछे इंसिडेंट करते हैं तो ये क्या होती है एक पॉइंट पे मीट होती है इट इज एपियर टू कमिंग फ्रॉम द सिंगल पॉइंट सो ऑल दिस रे अपियर टू बी कमिंग फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट तो इस पॉइंट को क्या कहा जाता है फोकस पॉइंट इस पॉइंट को क्या कहा जाता है फोकस का पॉइंट इन केस ऑफ कौन सा मिरर है कॉन्वेक्स मिरर अगर मिरर के लिए हम स्टडी करें कॉन्केव मिरर के लिए स्टडी करें तो क्या हो रहा है जो भी रे आ रही है दे आर मीट एट अ सिंगल पॉइंट जो भी पैरेलल रे आ रही है वो सारी एक पॉइंट पे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर वो क्या हो रहा है सिंगल पॉइंट पे मीट हो रही है सिंगल पॉइंट पे मीट हो रही है तो जहां पे भी ये सारे रे मीट हो रही है उस उस पॉइंट पॉइंट को को हम क्या को हम क्या क्या कहते कहते हैं हैं फोकस फोकस तो ये समझ में आ गया रे इंसिडेंट ऑन द मिरर दे आर मीट एट अ सिंगल पॉइंट दिस पॉइंट इज नोन एज अ फोकस तो फोकस पॉइंट समझ में आ गया दोनों के लिए तो ये हो गया हमारा फोकस पॉइंट दोनों के लिए फोकस पॉइंट समझ में आ गया अब आते हैं वन सेकेंड अगर हम पोल से फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से फोकस तक का डिस्टेंस तो यहां भी पोल से फोकस तक का डिस्टेंस हम मेजर करते हैं इसे कहा जाता है फोकल लेंथ इसे क्या कहा जाता है फोकल लेंथ इसे भी क्या कहा जाएगा फोकल लेंथ ठीक है यह समझ में आ गया फोकल लेंथ फोकस से पोल तक का डिस्टेंस या पोल से फोकस तक का डिस्टेंस क्या होता है फोकल लेंथ ठीक है अब समझ में आ गया अब हमारे पास एक रिलेशन है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ इन दोनों में भी रिलेशन है क्या है वो रिलेशन रेडियस ऑफ कर्वेचर एन अ फोकल लेंथ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर इज और फोकल लेंथ इज इस तरह से लगते फोकल लेंथ फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हाफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा फोकल लेंथ सो एफ इज इक्वल टू आर बाई टू एफ इज इक्वल टू आर बाई टू ये हमें रिलेशन पता चलता है ये देखो यहां लिखा है, यहां लिखा है. सेंटर से सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस क्या होता है रेडियस और फोकस से पोल तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ अगर दोनों जज करते हो तो ये एफ हो, क्या होगा आर बाय टू एफ क्या होगा आर बाय टू अगर हम डिस्टेंस की बात करें अगर हम साइन कन्वेंशन अप्लाई करें साइन कन्वेंशन अप्लाई करें तो देखो कॉन्वेक्स के लिए कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है क्योंकि पोल के राइट हैंड साइड है पोल कहा है राइट हैंड साइड पे है ओके पोल के राइट हैंड साइड वाले सारे डिस्टेंस क्या होते हैं पॉजिटिव होता है तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ एंड रेडियस पॉजिटिव होता है वेर एज कॉन्केव लेंस के लिए ये कहा है लेफ्ट साइड पोल के लेफ्ट साइड में है तो फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव होता है किसके लिए कॉनकेव के लिए ये याद रखना है कॉनवेक्स और कॉनकेव में ये अप्लाई होता है तो ये कांसेप्ट समझ में आ गया मिरर के लिए देन इसके बाद आते हैं पावर पे इसके बाद आते हैं तो ये हमारे कांसेप्ट किसके लिए थे अभी जो हमने कंसेप्ट स्टडी किए वो कॉर मिरर के लिए थे कॉन्वेक्स और कॉन्केव के लिए कौन से, -कौन से हमने स्टडी किया पोल स्टडी किया रेडियस ऑफ कर्वेचर कर्वेचर एंड फोकल फाइंड आउट किया हमने और फोकस स्टडी किया और फोकस के बारे में भी स्टडी किया तो इतने सारे कंसेप्ट हमने स्टडी कर लिए हैं नाउ रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ रिलेशन बिटवीन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ जो हमने दिखाया था फोकल लेंथ स्मॉल एफ से देन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लोअर स्टैंडर्ड में सीखा होगा आपने यू से दिखाते हैं एंड इमेज डिस्टेंस अब अगर इन तीनों में हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस तो हमें एक रिलेशन मिलता है दैट इज वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू इसे कहा जाता है मिरर फॉर्मूला ये मिरर के लिए यूज होते हैं ये मिरर के लिए फॉर्मूला यूज होता है वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है हमें सम सॉल्व करने के लिए इसके बाद इसमें ही कंसेप्ट आता है हमारा पावर ओके पावर ऑफ पावर ऑफ मिरर तो पावर का फॉर्मूला अगर हम यूज करें पावर क्या होता है पावर पी इज इक्वल टू वन अपॉन एफ इट इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इट इज प्रोकोल ऑफ फोकल लेंथ इसका यूनिट होता है डायप्टर यूनिट क्या होता है डी से इंडिकेट करते हैं डायोप्टर। किससे इंडिकेट करते हैं डी से इंडिकेट करते हैं डायोप्टर को और ये क्या होता है वन डायप्टर इज नथिंग बट फोकल लेंथ का यूनिट मीटर तो मीटर इनवर्स इज नथिंग बट अ वन डायोप्टर मीटर इनवर्स नथिंग बट अ डायप्टर समझ में आ गया ये हो गया पावर देन आते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन इसमें और एक टर्म है मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन सो तो अब जब मिरर से इमेज फॉर्म होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा बड़ा होगा या छोटा होगा तो उसे हम क्या कहते हैं मैग्निफिकेशन तो मैग्निफिकेशन लेटरल मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट वी बायू ये सारे फॉर्मुला हमने स्टडी कर दिए मैग्निफिकेशन तक तो ये समझ में आ गया मिरर फॉर्मूला हमने स्टडी किया वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यून पॉवर इज नथिंग बट वन अपॉन एफ और दूसरा मैग्निफिकेशन क्या होता है सॉरी ये तीनों फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ये हो गया मिरर के लिए फॉर्मूले अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हमारे स्पेरिकल अपरेशन स्पेरिकल अपरेशन शॉर्ट में इसका डिस्कशन करते हैं स्पेरिकल अपरेशन का देखो स्पेरिकल मिरर है तो जनरली इमेज बनाने के लिए कुछ कंडीशन है इमेज बनाने के लिए कंडीशन है कि इमेज बनाने के लिए जो भी इमेज बन रहा है वो किस कौन से रे से बनने चाहिए जो प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक रे रह रखना रह चाहिए हमें कैसे चाहिए? होना, चाहिए. होना चाहिए जो भी ऑब्जेक्ट रह आ रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे होना चाहिए ऑब्जेक्ट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस पे नज़दीक होना चाहिए जो भी रे आ रहे हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होने चाहिए और बहुत नज़दीक होने चाहिए ज़्यादा दूर नहीं होने चाहिए देन एंगल जो भी एंगल फॉर्म होगा दैट एंगल इज ऑल्सो स्मॉल या जो भी कौन फॉर्म होगा वो स्मॉल होना चाहिए अगर ऐसी कुछ कंडीशन है तो इमेज अच्छे से बनता है तो यहाँ हम हाँ जो केस स्टडी कर रहे हैं जो एरर स्टडी कर रहे हैं बहुत सारे एरर होते हैं कोमा से लेकेशन देन डिस्टोरशन ऐसे बहुत सारे इमेज होते मीन बहुत सारे डिफेक्ट होते हैं उसमें से एक डिफेक्ट है स्पेरिकल अपरेशन अभी अब इसे स्पेरिकल ऑपरेशन क्यों कहा जाता है बिकॉज ये स्पेरिकल शेप की वजह से आता है इसकी वजह से आता है स्पेरिकल शेप की वजह से ठीक है कैसे हो रहा है देखो अगर हमारे पास ये स्पेरिकल शेप है मिरर का मिरर का स्पेरिकल शेप है देन हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सेस है ये क्या है प्रिंसिपल एक्सेस अब हमारे पास जो रे आ रहे हैं दो टाइप के रे हैं एक है हमारा पैरा एक्सियल रे क्या है पैरा एक्सियल रे मीन्स प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक वाला रे इसे कहते हैं पैरा एक्सियल रे और दूसरा जो रे है वो है मार्जिनल रे वो क्या है हमारा मार्जिनल रे मार्जिनल मीन्स जो दूर रहता है प्रिंसिपल एक्सिस से दूर रहता है अब देखो डायग्राम में आपको दिखाया गया है तो पैरा एक्सिल रे अगर इमेज फॉर्म करती है पैरा एक्सएल रे यहां ऑब्जेक्ट रखा है और पैरा एक्सिल रे अगर इमेज फॉर्म करती है तो वो इमेज यहाँ दूर बनेगी वो इमेज यहां बनेगी तो यहां से रे आ रहा है और यहां मीट हो रहा है तो यहां बनेगा फोकस ऑफ पैरा एक्सेल रे फोकस ऑफ पैरा एक्सेल रे यहां हमें एक इमेज दिखाई देगी फोकस पॉइंट पे ठीक है नेक्स्ट अगर हम स्टडी करते हैं मार्जिनल रे तो मार्जिनल रे से जो इमेज बनती है वो नजदीक बनती है वो क्या बन बनती है नजदीक बनती है यहां बनती है मार्जिनल रे से तो अब देखो जहां फोकस होगा वहां इमेज बनेगी वहां क्या बनेगी इमेज तो इस केस में दो इमेज बन रही है एक रेन से पैर रे की वजह से यहां बन रही है और एक मार्जिनल रे की वजह से नजदीक बन रही है तो जो भी इमेज बनेगी वो इतना क्लियर नहीं होगी क्योंकि दो दो इमेज या दो तीन इमेज बन रही है ये इमेज सर्कुलर फॉर्म में होगी या पॉइंट साइज में नहीं होगी

तो यहां हमें सर्कुलर इमेज बनेगा क्या मिलेगा सर्कुलर इमेज मिलेगा तो यहां सबसे क्लियर इमेज होगा इसे कहते हैं सर्कल ऑफ लिस्ट कन्फ्यूजन इसे क्या कहते हैं सर्कल ऑफ लिस्ट कन्फ्यूजन सर्कल ऑफ लिस्ट कन्फ्यूजन और जो भी डिस्टेंस होगा ए बी इसे कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन इसे क्या कहते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन ठीक है ये हमारा क्लियर इमेज आने का तरीका यहाँ क्लियर इमेज आएगा हमें तो ये समझ में आ गया स्पेरिकल अपरेशन क्या होता है बिकॉज ऑफ शेप नजदीक वाले रे अलग मीट होते हैं और दूर वाले रे अलग मीट होते हैं दो दो या तीन इमेज हमारी बनती है इमेज क्लियर नहीं बन पाती बहुत सारी इमेज हमें दिखाई देती है ब्लर दिखाई देती है दैट इज नोन एज स्पेरिकल ऑपरेशन ठीक है ये हो गया हमारा स्पेरिकल ऑपरेशन अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे रिफ्रैक्शन क्या आते हैं रिफ्रैक्शन वेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम यहां दो मीडियम की रिक्वायरमेंट है हमें क्या है यहाँ दो मीडियम की रिक्वायरमेंट जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो ये दोनों मीडियम का इंटरफेस है दोनों मीडियम का इंटरफेस है यहां मीडियम वन ऊपर है मीडियम वन यहां है मीडियम टू यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन वन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन टू दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है ठीक है अब अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है क्या फाइंड आउट करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है तो दो टाइप के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें फाइंड आउट करना तो पहले रिफ्रैक्शन सीख लेते हैं कि हमारे पास मीडियम वन है मीडियम टू है एन वन और एन टू दो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मटेरियल मीन्स एक एयर होगा तो दूसरा ग्लास होगा एक एयर होगा तो दूसरा वाटर होगा ठीक है या एक वाटर, एक वाटर होगा एक ग्लास होगा ऐसे अलग अलग मीडियम है तो क्या होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है नॉर्मल है ये अपना डायरेक्शन चेंज करती है ठीक है आई और आर तो इस फेनोम को कहा जाता है रिफ्रैक्शन इस फेनोमिन को क्या कहा जाता है रिफ्रैक्शन तो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है उसका लॉ भी हमने स्टडी किया था इंसिडेंट रे रिफ्रेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन अ सेम प्लेन एंड दे आर अपोजिट साइड ऑफ नॉर्मल दोनों भी रे अपोजिट साइड ऑफ बट इन अ डिफरेंट मीडियम बट इन अ डिफरेंट मीडियम देन एंगल ऑफ इंसिडेंट ओवर ऑल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दूसरा लॉ था ये हमने स्टडी किया था ठीक है अब आते हैं हम एबसोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे किस पे आते हैं एबसोलूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चलो अब हमारा अगर पहला मीडियम एयर है या वैक्यूम है फर्स्ट मीडियम हमारा क्या है वैक्यूम मीडियम वन हमारा क्या है वैक्यूम मीडियम वन हमारा वैक्यूम है लाइट वैक्यूम से कोई भी मीडियम में जा रही है ओके okay? कोई भी मीडियम में जा रही है सो लाइट वैक्यूम से कोई भी मीडियम में जा रही है तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल का फाइंड आउट करेंगे उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कहते हैं एप्सोलूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एप्सुलूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और उसको इंडिकेट किया जाता है एन इसको इंडिकेट किया जाता है एन मीडियम एन मीडियम अब एन मीडियम का अब इसका फॉर्मूला क्या होगा या इसका डेफिनेशन क्या होगा रेशियो ऑफ इट इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय इन मीडियम तो अगर ये हम रेशो निकालते हैं पहला मीडियम अगर वैक्यूम है वहां से लाइट किसी भी मीडियम में, में।, में जा रही है वैक्यूम से लाइट किसी भी मीडियम में वैक्यूम से ग्लास में जा रही है वैक्यूम से वॉटर में जा रही है वैक्यूम से डायमंड में जा रही है वैक्यूम से ऑयल में जा रही है तब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसी मीडियम का फाइन करेंगे उसे कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे क्या कहते हैं एब्सोलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहां मैं लिख लेता हूं पहले इसे क्या कहते हैं एब्सोलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसे कहते हैं हम एप्सोलुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स

फर्स्ट मीडियम वन इज अदर देन वैक्यूम अगर पहला मीडियम वैक्यूम नहीं है अगर पहला मीडियम वैक्यूम नहीं है वैक्यूम के अलावा कोई भी मीडियम है अगर मीडियम वन से मीडियम टू में लाइट जा रही है अब दो मीडियम है तो पहला मीडियम वैक्यूम नहीं है मीडियम वन इज नॉट वैक्यूम पहला मीडियम हमारा वैक्यूम नहीं है उसके अलावा कोई भी मीडियम हमें चलेगा लेकिन वैक्यूम नहीं चाहिए तो अगर मीडियम पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है तब जो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलता है उसे कहा जाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसे क्या कहा जाता है रिलेटिव इंडेक्स तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम वन टू वेलोसिटी ऑफ लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन इन मीडियम टू तो हम कैसे लिखेंगे इसको इसमें दो मीडियम है पहला मीडियम नहीं है तो दोनों मीडियम हमें पहचानने पड़ेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्सल ठीक है तो पहला मीडियम वन है दूसरा मीडियम टू है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स किसका फाइंड करते हैं जिसमें लाइट जा रहा है जिसमें लाइट जा रहा है ये समझ में आ गया?

Glass, जो ग्लास ग्लास वेलोसिटी ऑफ लाइट ये फॉर्मूला हमारा होगा ये फॉर्मूला हमारा होगा अब इसी फॉर्मूला को हम इसी फॉर्मूला को हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिख सकते तो कैसे लिखना होता है कैसे लिखना होता है दैट इज एन एन टू वन दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू मीडियम वन इज इक्वल टू

इसको सी से मल्टीप्लाय डिवाइड करो सी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करो तो फॉर्मूला देखो क्या होगा वन एन टू इज इक्वल टू सी वी टू इंटू वी वन सी इंटू वी वन सी अब एन टू वन सी बाई वी टू एज इट इज

रिफ्रैक्शन नहीं कहा है क्या कहा है रिफ्लेक्शन कहा है तो इसके लिए एक कंसेप्ट हमें सीखना जरूरी है देखो अब यह है रेरर मीडियम और यह है डेंसर मीडियम सो जब लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है कहां जाती है लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो इट बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल यह क्या होगा इट बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल के नज़दीक आएगा नॉर्मल के नज़दीक आएगा सो so लाइट जब रेरर टू डेंसर मीडियम में जाती है रेरर टू डेंसर मीडियम में जाती है तो ये बेंड होती है कैसे बेंड होती है टूवर्ड्स नॉर्मल टूअर्ड्स नॉर्मल और दूसरा कंसेप्ट जब लाइट डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में जाती है इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल ये नॉर्मल से दूर जाती है तो ये दो कंसेप्ट हमें याद रखने की जब लाइट रेरर से डेंसर आती है तो नॉर्मल के नजदीक आती है और डेंसर से अवे फ्रॉम तो, करती है, away from normal करती है।, है? तो ग्लास और अ वाटर या डेंसर मीडियम कोई भी एक डेंसर सो इट इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हमने लाइट का सोर्स रखा है लाइट यहां से आ रहा है लाइट यहां से आ रहा है तो देखो एक सर्टन एंगल पे हम लाइट को इंसिडेंट कर रहे हैं। एक सर्टन एंगल आई वन पे हम इसको इंसिडेंट कर रहे हैं। तो लाइट इनिशियली इंसिडेंट होगा ये देखो लाइट इंसिडेंट हो रहा है यहां आई वन एंगल कितना है आई वन तो अब ये डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रहा है तो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड अवे फ्रॉम जो जितना आई ओवन होगा उससे ज्यादा एंगल आर होगा उससे ज्यादा एंगल आर होगा Then, हमने एंगल को बढ़ाया हमने एंगल को बढ़ाया अब एंगल को हमने बढ़ाया जितना एंगल को बढ़ाया उससे और ज्यादा बड़ा रिफ्रैक्शन होगा मीन्स इस तरह से हो रहा है जब लाइट ट्रैवल कर रही है तो ये दूर जा रहा है जितना ये एंगल बढ़ेगा उतना ये भी दूर जाएगा आर भी एंगल बढ़ेगा तो और हमने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया और इंसिडेंट एंगल को बढ़ाया तो और रिफ्रैक्टिव एंगल बढ़ रहा है एक ऐसा केस आएगा तो एक एट एट एंगल एंगल का वैल्यू क्या हो जाएगा डिग्री आर इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री तो एक ऐसा एंगल होगा जिसे हम कहेंगे क्रिटिकल एंगल जिसे हम क्या कहेंगे क्रिटिकल एंगल उस क्रिटिकल एंगल पे आर का वैल्यू कितना होगा नाइनटी डिग्री आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे क्रिटिकल एंगल सो क्रिटिकल एंगल अब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा अगर हम एंगल को बढ़ाते क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल को बढ़ाते तो क्या होगा इफ एंगल इज मोर देन क्रिटिकल एंगल तो रे और ज्यादा बेंड होगी और उसी मीडियम में वापस ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी अब 90 तो हो गया अब अगर और एंगल बढ़ाया तो उसी मीडियम में लाइट ट्रेवल करना स्टार्ट करेगी उसी को हम क्या कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसी को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो ये समझ में आ गया तो अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो केस जरूरी है देखो कौन सा कौन सा पहला लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर मीडियम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम पहला केस क्या है कि लाइट ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में ट्रेवल करना जरूरी है फर्स्ट लाइट ट्रेवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम तो लाइट डेंसर मीडियम से मेरे मीडियम ट्रैवल करना जरूरी है इन सेकेंड एंगल आई इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंगल क्रिटिकल एंगल से हमेशा ज्यादा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल क्या है क्रिटिकल एंगल इट इज इंसडेंट एंगल इट इज अ इंसडेंट एंगल इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच रिफ्रैक्टिंग एंगल इज इक्वल टू नाइंटी डिग्री फॉर विच एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल इन रेयर मीडियम इज इक्वल टू नाइनटी डिग्री उसे हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल उसे हम क्या कहते हैं क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से वैल्यू एंगल क्या होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए तो ही वे वापस तो ही रे वापस उसी मीडियम में बाउंस बैक होती है यह समझ में आ गया उसे क्या जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये दो केस जरूरी है अब इसके बाद में आते हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन का हम स्टडी करने वाले अब यहां तीन एप्लीकेशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहा यूज किया जाता है पहला तो ऑप्टिकल फाइबर में यूज किया जाता है इसमें यूज किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर में सेकेंड यूज किया जाता है प्रिजम बाइनोक्युलर में सेकेंड कहा यूज किया जाता है से प्रिजम बाइनोक्युलर में और थर्ड पेरिस्कोप में यूज किया जाता है <laughs> तो ऑप्टिकल फाइबर देखो ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल कैसा होता है बहुत थिन होता है हेयर से भी थिन होता है उसका डायमीटर जब नियर अबाउट जीरो पॉइंट फाइव mm एम एम तक होता है ओके इसमें दो मटेरियल होते हैं एक होता है सेंटर वाला कोर और उसके साइड में कोटिंग होता है उसे कहा जाता है क्लैडिंग ओके सेंटर में होता है कोर उसके साइड में क्लैडिंग होता है एंड देन उसको और प्रोटेक्ट करने के लिए हम बफर और जैकेट देते हैं बफर एंड जैकेट देते तो आपको डायग्राम में दिखा गया ये कोर है उसके वो आगे उसके ऊपर क्या है क्लैडिंग है और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बफर एंड जैकेट लगाया गया है यह समझ में आ गया अब कोर जो होता है वो डेंसर मीडियम होता है कोर क्या होता है डेंसर मीडियम और क्लैडिंग uh, होता है वो होता है रेयरर मीडियम वो क्या होता है रेयरर मीडियम ठीक है अब ये जो मटेरियल uh, है वो फ्लेक्सिबल होता है ट्रांसपेरेंट होता है ओके फ्लेक्जिबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड हेयर जितना पतला होता है एक हेयर जितना पतला होता है तो ये याद रखना है तो ऐसे बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर को एक साथ करके एक वायर में हमारा एक केबल बनता है तो एक एक ऑप्टिकल फाइबर से केबल नहीं बनता तो ऐसे बहुत सारे केबल को इकट्ठा करके उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है तो ये क्या बनता है हमारा केबल बनता है अब ऑप्टिकल फाइबर में जो भी सिग्नल पास होता है वो लाइट के थ्रू होता है मीन जो भी सिग्नल हमें डालना है वो लाइट के थ्रू डालना पड़ता है तो जो भी सिग्नल होता है वो लाइट के थ्रू जाता है तो उसे ऑप्टिकल सिग्नल कहते हैं वो ऑप्टिकल सिग्नल कैसे जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से वो आगे बढ़ता है अब इसका यूज क्या होता है इसका कम्युनिकेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है क्योंकि लाइट का स्पीड हमें पता है लाइट का स्पीड वैक्यूम में थ्री इंटू टेंट मीटर पर सेकेंड है और ऐसे मटेरियल में नियर अबाउट टू इंटू टेंट मीटर पर सेकेंड है कितना है ऑप्टिकल फाइबर में नियर अबाउट टू इंटू टेंट या ग्लास में अगर हम मानेंगे तो टू इंटू टेंट मीटर पर सेकेंड मीन्स एक सेकंड में दो लाख किलोमीटर तक लाइट ट्रेवल कर सकता है मीडियम से तो कितना डेटा फास्ट ट्रैवल होगा आप सोचो अगर आप ऑप्टिकल फाइबर से आपका मोबाइल का डेटा भेज रहे हैं या आप चैनल्स भेज रहे हो डिफरेंट डिफरेंट टीवी चैनल भेज रहे हो तो कितना फास्ट डेटा फॉरवर्ड होता है इसलिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं एक्चुअली ये थोड़ा सेटअप इसका महंगा होता है लेकिन जो इसके एडवांटेजेस है बहुत ज़्यादा है तो ये कहाँ यूज़ होता है मैक्सिमम एक ऑप्टिकल फाइबर से हम नाइन्टी थाउजेंड चैनल को भेज सकते हैं कितने चैनल को भेज सकते हैं नाइन्टी थाउजेंड एट अ टाइम तो एट ए टाइम नाइनटी इतना बड़ा इसका बैंडविथ होता है देन इसमें से जो सिग्नल जाता है वो लाइट के फॉर्म में जाता है तो उसको चुराना मुश्किल होता है उसको चुराना मुश्किल होता है तो जो भी सिग्नल जाएगा वो मिस चुरा नहीं सकते दूसरा ये बनता किससे ग्लास से या फिर ट्रांसपेरेंट मीडियम से ये कॉस्टली नहीं होता तो इस केबल को भी कोई चुरा नहीं सकता तीसरा इसमें डैमेज नहीं कर सकते इसका डैमेज हो गया तो केबल से सिग्नल पास नहीं होगा तो इसके बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेज है मीन्स एडवांटेज ज्यादा है इसलिए इसको यूज किया जाता है लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका सेटअप बहुत महंगा आता है सेटअप महंगा होता है लेकिन एडवांटेज उससे ज्यादा है ये समझ में आ गया ये है ऑप्टिकल फाइबर इस पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं देन है बाइनाक्युलर देन है प्रिज्म बाइनाकुलर अब देखो पहले बायनैकुलर कैसे आते थे दो सिलेंडर थे जितना आई का स्पेस होता है आंखों का स्पेस उतने ही दो सिलेंडर होते थे उसकी वजह से क्या होता था हमें व्यू कम मिलता था हमें व्यू क्या मिलता था कम मिलता था अब हमने क्या किया देखो आंखों के बीच का डिस्टेंस तो यहां सेम है यहां सेम है लेकिन ये इनपुट वाले जो ग्लासेस है उनमें बढ़ा दिया है आ, क्या कह डिस्टेंस बढ़ा दिया अब डिस्टेंस बढ़ा करने से क्या होता है जो हमारा एरिया होता है जिससे हम देखने वाले हैं ओके तो वो एरिया बढ़ जाता है वो एरिया क्या हो जाता है बढ़ जाता है तो इससे हमें ज्यादा दूर तक या फिर ज्यादा वाइड रेंज मिलेगा वाइड रेंज तक हम देख सकते हैं वाइड रेंज तक हम देख सकते हैं इसमें भी देखो हम दो प्रिज्म यूज करते हैं दो प्रिज्म यूज कर सकते हैं दो प्रिज्म राइट एंगल में होते हैं इस दो प्रिज्म से अगर लाइट आता है तो आपको दिख रहा है जैसे ही लाइट आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा प्रिज्म पे इंसिडेंट होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा यहाँ जाएगा वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और आंखों में जाएगा तो इस तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज बायनाकुलर में किया जाता है तीसरा यूज है हमारा पेरिस्कोप जो सबमरीन में यूज करते हैं कि वाटर सरफेस पे कोई जहाज है या कोई मटेरियल है कोई क्या है वो देखने के लिए वाटर सरफेस या सी सरफेस पे कोई जहाज है या कोई भी एनिम ही है उनको देखने के लिए हम इसका यूज करते हो अंडर वाटर से तो सबमरीन में पेरिस्कोप का यूज किया जाता है पेरिस्कोप भी सेम कंसेप्ट है इसमें भी देखो दो हमने प्रिज्म लगाए हुए हैं दो प्रिज्म लगाए हुए हैं तो क्या होता है जैसे ही लाइट आता है इस प्रिज्म से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है और ये हमारी आंखों में जाता है तो हम देख सकते हैं हम देख सकते हैं कि सरफेस के ऊपर सरफेस के ऊपर मींस जहाज है या क्या है वो हम वाटर सरफेस पे देख सकते हैं तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूजेस तो ये समझ में आ गया ठीक है तो ये है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें से ऑप्टिकल फाइबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट है लेंसेस नेक्स्ट क्या है लेंस अब लेंस में देखो लेंस किससे बनता है लेंस दो सरफेस से बनता है मीन्स अगर ग्लास हमारे पास ग्लास पियर है दो ग्लास पियर को अगर हम अटैच करते हैं इस तरह से अटैच करते हैं दो ग्लास पियर को मीन्स अगर हम देखते कि हमारे पास ग्लास पियर है तो इस तरह से दो ग्लास पियर को हम अगर हम अटैच करते हैं तो ये जो पार्ट बनेगा उसे हम कहेंगे लेंस उसे क्या कहेंगे लेंस अब देखो लेंस के पास दो रेडियस रहेंगे दो रेडियस रहेंगे क्योंकि कर्वेचर दो है दो है एक और दो, दोनों सरफेस तो एक का रेडियस होगा आर वन दूसरे का होगा आर टू ओके एक का रेडियस होगा आर वन एक का आर टू उसके पास दो रेडियस ऑफ कर्वेचर रहेंगे वैसे दो फोकल लेंथ रहेंगे एक इस तरफ रहेगा और एक इस तरफ रहेगा दो फोकल लेंथ रहेंगे ठीक है तो इस तरह से लेंस बनता है कि दो स्पियर को दो ग्लास स्पीयर को हम इस तरह से कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है हमें लेंस मिलता है तो लेंस में दो सरफेस होते हैं दो रेडियस होते हैं दो फोकल लेंथ होती है समझ में आ गया अब लेंस हमने सीखा है लेंस भी दो टाइप के होते हैं कौन से कौन से दो टाइप के लेंस होते हैं एक होता है कॉनकेव लेंस एक होता है कॉनवेक्स लेंस तो हमने यहां डायग्राम ड्रॉ करके रखा है देखो एक लेंस जो हमारा है वो क्या है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा है कॉनकेव लेंस

प्लेनो ओ कॉन्वेक्स लेंस मींस एक सरफेस प्लेन रहेगा और दूसरा सरफेस कॉन्वेक्स रहेगा या फिर बाहर निकला हुआ रहेगा तो इसे कहते हैं हम प्लेनो ओ कॉन्वेक्स लेंस और एक टाइप है कॉनके वो कॉन्वेक्स लेंस या कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस जिसे कहा जाता है देखो अब इसको कैसे पहचानना है कि ये थिन है या थिक है पेरी फेरी पे थिन है या थिक है वो देखना है पेरी फेरी पे थिन है तो ये कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस लेकिन एक इसका पार्ट क्या है कॉनक्यू तो इसे कहेंगे कॉनक्यू कॉन्वेक्स लेंस या कौन के कॉन्वेक्स लेंस ये समझ में आ गया

उसका एक टाइप है प्लेनो कॉनकेव लेंस एक टाइप क्या है प्लेनो कॉनकेव लेंस प्लेनो कॉनकेव मींस एक सरफेस प्लेन दूसरा कॉनकेव दूसरा क्या है कॉनकेव इसे कहते हैं हम प्लेनो कॉनवेक्स लेंस दूसरा है और एक टाइप है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस अब देखो दो सरफेस है एक है कॉनवेक्स एक है कॉनकेव एक है कॉन्वेक्स एक है कॉनकेव लेकिन ये पेरी फेरी पे थीक है पेरी फेरी पे थीप है तो कौन सा लेंस हो गया ये कॉनकेव लेंस हो गया और एक सरफेस क्या है कॉन्वेक्स तो इसे हम क्या कहेंगे कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस तो ऐसे छह टाइप छह टाइप के लेंस होते हैं ऐसे छह टाइप के लेंस होते हैं तो ये समझ में आ गया लेंस तो लेंस में भी सेम कंसेप्ट हम यूज करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर से लेके सारी चीजें जैसे हमने मिरर में स्टडी किया था वैसे ही चीजें इसमें भी आती है ठीक है तो अगर हम तो लेंस के बारे में बात करते हैं तो देखो इसमें दो सरफेस होते हैं इसमें क्या होते हैं दो सरफेस होते हैं एक होता है सरफेस वन और ये होता है सरफेस टू दो सरफेस होते हैं ओके इसका भी एक रेडियस रहेगा जिसे कहेंगे आर वन इसका एक रेडियस रहेगा आर टू तो एक रेडियस पॉजिटिव होगा एक रेडियस निगेटिव होगा एक रेडियस पॉजिटिव होगा एक रेडियस निगेटिव होगा देन दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे एक को कहा जाएगा सी वन एक को कहा जाएगा सी टू दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे देन यहाँ दो फोकस भी होंगे एफ वन एफ टू दो फोकस पॉइंट भी होंगे लेंस के लिए ठीक है सिमिलर कंडीशन यहां भी होगा कौन के लेंस के लिए सरफेस वन सरफेस टू यहां का रेडियस होगा आर वन यहाँ का रेडियस होगा आर टू यहाँ का रेडियस होगा आर टू ठीक है यहां भी सेंटर होंगे सी वन इसका सेंटर होगा C2 टू देन फोकस पॉइंट F1 F2 तो so, एक पॉजिटिव साइड होती है ये पॉजिटिव साइड राइट हैंड साइड वाले पॉजिटिव डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड वाले नेगेटिव डिस्टेंस ये समझ में आ गया देन फोकल लेंथ का हमारा फॉर्मूला है ये इसके लिए हम इलेस के लिए यूज करते हैं देन पावर कैसे फाइंड किया जाता है पावर इज इक्वल टू वन अपॉन एफ पावर कैसे फाइंड किया जाता है वन अपॉन एफ अब अगर दो या दो से ज्यादा लेंस हम कनेक्टिंग करते हैं दो या दो से ज्यादा अगर हम लेंस को कनेक्ट करते हैं एक दो तीन ऐसे बहुत सारे लेंस को अगर हम कनेक्ट करते हैं एल वन एल टू एल थ्री एल फोर एफ टू एल एन इनका फोकल लेंथ है एफ वन एफ टू एफ थ्री अप टू एफ एन तो टोटल फोकल लेंथ कितना होगा एफ इज इक्वल टू एडिशन होता जाएगा फोकल लेंथ क्या होता जाएगा एडिशन हो जाएगा एंड व्हाट अबाउट पावर पावर होता है अपॉन पावर तो तो भी क्या होगा एडअप होगा पी इज इक्वल टू पी वन प्लस पी टू प्लस पी थ्री अप टू पी एन टू पी एन ठीक है यह भी क्या होगा पावर भी एडिशन होगा तो लेंस के लिए भी सेम कंसेप्ट लेंस के लिए भी पावर का यूनिट ही होता है ही होता है और लेंस में अगर हम एक कॉम्बिनेशन करते लेंस को इस तरह से तो उसका पावर भी एडअप हो जाता है और फोकल लेंथ भी एडअप होता जाता है तो ये है लेंस का बेसिक ये है लेंस का बेसिक ठीक लेने वाले दैट इज अ प्रिजर्म फॉर्मूला वो क्या है

ए क्यू एन आर चलो अपोजिट एंगल इसमें लेंगे हम अपोजिट एंगल एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री इज इक्वल टू वन एटी डिग्री देन हम लेंगे नेक्स्ट ट्रैंगल नेक्स्ट ट्रैंगल लेंगे क्यू आर एन सा लेंगे क्यू आर एन ट्रैंगल क्यू आर एन इज इक्वल टू क्यू आर एन में तीनों एंगल का एडिशन आर वन प्लस आर टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू वन एटी डिग्री अब दोनों का दोनों में आंसर क्या है वन एटी डिग्री तो दोनों को हम इक्वल लिख सकते हैं तो हम कैसे लिखेंगे आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू ए प्लस एंगल क्यू एन आर तो ये दोनों कट जाएंगे क्यू एन आर क्यू एन आर तो क्या होगा आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए इक्वेशन आ गया वन देन ऊपर वाला हम ट्राइंगल लेंगे अब ऊपर वाला ट्राइंगल क्या है क्यू एक्स आर क्यू एक्स आर ठीक है ऊपर वाला ट्राइंगल कौन सा है हमारा क्यू एक्स आर क्यू एक्स आर बाय एक्सटीरियर एंगल थे इसमें डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है दोनों इंटीरियर एंगल के एडिशन इज नथिंग बट एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, थ्योरम एक्सटीरियर एंगल को हम यूज़ करते, आई माइनस आर वन प्लस प्लस ई माइनस आर टू इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा तो अब क्या होगा आई प्लस ई एक तरफ आ गए माइनस कॉमन आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू डेल्टा बट फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन हमें पता है R1 R2 क्या है इज इक्वल टू डेल्टा फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन इक्वेशन वन से हमें ये वैल्यू मिल गया अब ए को वहां भेज दो तो क्या होगा इक्वेशन हमारा देयरफॉर आई प्लस इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा इक्वेशन आ गया हमारा टू इक्वेशन टू ठीक है इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को अब हमें याद रखना है ठीक है ये आ गया देन ये हो गया एंगल के बीच के रिलेशन एंगल के बीच का रिलेशन हमने फाइंड आउट कर लिया अब नेक्स्ट हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंटल मेथड से एक्सपेरिमेंटल मेथड पे जाना है सो so, डेविएशन का और मिनिमम डेविएशन एंड प्रिज्म फॉर्मूला एंड प्रिज्म फॉर्मूला इन तीन टॉपिक को तो

तो पहले पहले आई बढ़ेगा तो ये कम होगा एंड देन सर्टन एक एंगल के बाद ये बढ़ता जाएगा अब ये जो एंगल होगा जहां पे सबसे कम डेल्टा उसे कहते हैं डेल्टा मिनिमम उसे क्या कहते हैं डेल्टा मिनिमम और उस केस में क्या होता है आई और ई का वैल्यू इक्वल होता है आई और ई का वैल्यू इक्वल होता है सो फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ट इज डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम हम क्या कहेंगे आर इज इक्वल टू ई एंड अगर आई और ई e इक्वल हो गए तो आर वन और आर टू भी इक्वल होंगे एंड आर वन इज इक्वल टू आर टू इज इक्वल टू आर ठीक है ये आ गया देन फ्रॉम इक्वेशन वन फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा इक्वेशन वन क्या था फ्रॉम इक्वेशन वन हमारा इक्वेशन वन था आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू ए सो दोनों आर का वैल्यू क्या ले है हमने आर सो आर प्लस आर टू आर इज इक्वल टू ए देर फॉर आर इज इक्वल टू ए बाई नहीं फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन टू क्या था हमारा आई प्लस टू ए प्लस डेल्टा अब आई और ई का वैल्यू दोनों सेम है तो यहां हम e ई की जगह आई पुट कर देंगे आई प्लस आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा सो टू आर इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एंड आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा बाई टू ये आ गया इक्वेशन थ्री इक्वेशन फोर तो आई और आर के वैल्यू मिल गया अब आते हैं प्रिज्म फॉर्मूला पे प्रिज्म फॉर्मूला में क्या कहता है प्रिज्म फॉर्मूला के लिए हम स्नेल्स लॉ यूज करेंगे क्या यूज करेंगे स्नेल्स लॉ की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू तो साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर साइन आई का वैल्यू क्या है हमारा साइन आई इज इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन फोर ए प्लस डेल्टा बाई टू और साइन आई का वैल्यू साइन आई इज इक्वल टू ए बाई टू ठीक है ये क्या हो गया हमारा प्रिज्म फॉर्मूला ये हो गया हमारा प्रिज्म फॉर्मूला समझ में आ गया प्रिज्म फॉर्मूला तो इस तरीके से प्रिज्म फॉर्मूला हमें सॉल्व करना है देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थिन प्रिज्म क्या है थिन प्रिज्म तो हमने देखा है ये एक हमारा अगर प्रिज्म है अगर रे यहाँ पे इंसिडेंट होती है ये एंगल होता है हमारा आई और यहाँ का एंगल होता है आर वन और रे अगर यहाँ से इंसिडेंट होगी तो ये एंगल हम क्या लेते हैं ई और यहाँ का एंगल होगा आर टू यहाँ का एंगल होगा आर ये हमने अभी अभी देखा है तो फोर्थिन प्रिज्म थिन प्रिज्म किसे कहते हैं फोर्थिन प्रिज्म थिन प्रिज्म मीन जिसका एंगल प्रिज्म एंगल

साइन आई अपॉन साइन आर वन साइन आई अपॉन साइन आर वन ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और दूसरा अगर हम फाइंड आउट करेंगे इस इस तरफ से अभी अभी हमने देखा साइन का वैल्यू इक्वल है तो ये होगा आई डिवाइडेड बाई आर वन और ये होगा हमारा E divided by R2. ठीक है देर फोर फ्रॉम दिस आर वन इज इक्वल टू एन आई एंड आर टू इज इक्वल टू सॉरी एंड आर टू इज इक्वल टू वन मिनिट यहां से क्या होगा देन ये यह आर वन यहां चला जाएगा तो आर इज इक्वल टू एन आर वन और यहां से होगा ई इज इक्वल टू एन आर ठीक है ये दोनों फॉर्मूले आगे आई इज इक्वल टू एन आर वन देन हमें पता है then I plus e, अगर दोनों को ऐड करते तो क्या होगा दोनों को ऐड करेंगे तो एन आर वन प्लस एन आर टू एन कॉमन आर वन प्लस आर टू लेकिन प्रिज्म में हमने स्टडी किया आर वन पर आर क्या होता है ए होता है तो ये आएगा ए ये आएगा ए और i प्लस ई e का वैल्यू भी हमने स्टडी किया i प्लस ई e क्या होता है a प्लस डेल्टा तो ये होगा a प्लस डेल्टा ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया है कौन सा फॉर्मूला i प्लस ई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा ये हमें पता है तो यहां हम पुट करेंगे a प्लस डेल्टा इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा होगा इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करते तो एन ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एंड देयर फोर एन ए माइनस ए इज इक्वल टू डेल्टा और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा डेल्टा इज इक्वल टू एन डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस वन

वॉलेट होता है सेपरेशन बिटवीन एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू कलर इज नोन एज एंगुलर डिस्पर्शन अगर हमें वॉयट और रेड के बीच का सेपरेशन फाइंड करना है तो इस तरह से पहले डेल्टा वी लेंगे डेल्टा आर लेंगे दोनों को माइनस कर देंगे दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देते उसे क्या कहते हैं एंगुलर डिस्पर्सन तो एंगुलर डिस्पर्शन आते हैं चलो एंगुलर डिस्पर्शन हम कैसे लिखेंगे फॉर टू कलर हम लिखते हैं पहले किसके लिए दो कलर के लिए लिखते हैं तो एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला डी वी आर इज इक्वल टू क्या होगा डी वी माइनस डी आर डी वी माइनस डी आर लेकिन डेल्टा वी का फॉर्मूला अभी हमने स्टडी किया देखो क्या स्टडी किया डेल्टा इज इक्वल टू ए एन माइनस वन ये होगा डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होगा ए एन वी माइनस वन माइनस ए एन आर माइनस वन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर तो अगर हम ए को कॉमन निकाल लेंगे ए कॉमन एन वी माइनस वन माइनस एन आर प्लस वन तो ये वन कट हो जाएगा ए इज इक्वल टू एन वी माइनस एन आर ये हो जाएगा एंगुलर डिस्पर्शन का फॉर्मूला डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी आर इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर और ये फॉर्मूला होगा एन टू माइनस एन या एन वी माइनस एन आर ये हो गया कलर के लिए हर बार अगर हमें वॉयलेट और रेड का तो डिस्पर्शन फाइंड आउट नहीं करना होता बहुत सारे कलर होते हैं इसमें सेवन कलर होते हैं तो किसी भी दो कलर के बीच का अगर हमें एंगुलर डिस्पर्शन फाइंड आउट करना है रेड और ऑरेंज के बीच में फाइंड करना है रेड और येलो के बीच में फाइंड आउट तो जनरल फॉर्मूला कैसे बनाएंगे इन जनरल हम ऐसे लिख सकते हैं इन जनरल यही फार्मूला हम कैसे बनाएंगे एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन टू कलर फर्स्ट कलर एक को दो दे, दे दिया नाम एक को वन टू एंड वन कलर कोई भी आप दे सकते हो इसमें रेड वॉयलेट ले सकते तरह से कोई भी कलर आप seven कलर में से कोई कोई भी भी आप आप में कर सकते ठीक है तो क्या होगा डेल्टा वी दैट इज डेल्टा टू माइनस डेल्टा वन तो एक ऑरेंज होगा दूसरा रेड होगा एक वॉयलेट होगा ऑरेंज होगा येलो होगा कोई भी कलर के बीच का डिस्पर्शन इससे फाइंड आउट कर सकते तो ये फॉर्मूला क्या होगा देन a एन टू माइनस वन माइनस ए एन वन माइनस वन तो अगर ए कॉमन आ जाएगा तो बीच में क्या बचेगा टू माइनस एन वन डायरेक्टली सोल्वेल्ट क्या होगा एंगुलर डिस्पर्शन एंगुलर डिस्पर्शन ठीक है एंगुलर डिस्पर्शन किसी भी दो कलर के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी दो कलर के लिए हम फाइंड आउट कर सकते हैं देन आते हैं मीन डेविएशन मीन कैसे निकालते हैं जितनी क्वांटिटी होती है उसको ऐड करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ दैट क्वांटिटीज़ ना पांच क्वांटिटी होगी तो पांचों को ऐड करके डिवाइड बाय फाइव करते दो होगी तो दोनों को ऐड करके हम डिवाइड करते तो यहां अब हमारे पास कितनी क्वांटिटी है दो क्वांटिटी एक्सट्रीम कलर दो लेते एक रेड और एक वॉयलेट एक रेड और एक वॉयलेट अगर हम कलर लेंगे तो अब अगर एंगुलर डिस्पर्शन हम आए लिखेंगे मीन डेविएशन तो मीन डेविएशन के लिए फॉर मीन डेविएशन सो so, मीन डेविएशन मीन डेविएशन मीन कलर होता है येलो येलो में कलर होता है मीन mean. मीन्स एक तरफ सारे कलर दूसरे तरफ और येलो सेंटर में आता है येलो क्या आता है सेंटर में आता है तो जो मीन डेविएशन होता है वो येलो कलर का होता है तो मीन डेविएशन कैसे फाइंड करेंगे डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर हमारे पास है डिवाइडेड बाई टू करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा मीन डेविएशन मीन्स डेविएशन ऑफ येल्लो कलर मिलेगा डेविएशन ऑफ येल्लो कलर और डेविएशन का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमने फाइंड आउट किया ए एन ये ये होगा हमारा मेन डेविएशन क्या होगा हमारा मेन डेविएशन समझ में आ गया सो मेन डेविएशन बिटवीन टू कलर्स इज इक्वल टू दिस येलो कलर तो मेन डेविएशन और ये एंगुलर डिस्पर्शन ये टॉपिक कंप्लीट हो गया हमारा नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं अब हम

अच्छे से सेपरेट नहीं हो रहा है तो डिस्पर्सिव पावर इतना अच्छा नहीं होगा तो डिस्पर्सिव पावर हम कैसे लिखते हैं और मीन डेविएशन भी हमने फाइंड आउट किया तो एंगुलर डिस्पर्शन एंड मीन डेविएशन इसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं किससे ओमेगा से ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्पर्शन क्या होता है डिफरेंस बिटवीन डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर एंड मीन डेविएशन डेल्टा वार क्या होगा डेल्टा वाई ये अभी हमने स्टडी किया था तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं और एक फॉर्मूला डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय डेल्टा वी प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाय ये अभी हमने मीन डेविएशन के लिए फाइंड आउट किया ठीक है तो ये दोनों भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो या फिर इसका वैल्यू हम पुट कर सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा इज इक्वल टू सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या यूज किया था एंगुलर डिस्पर्शन के लिए ए एनवी माइनस एन आर एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय ए एन वाई माइनस वन ए ए कट हो जाएगा बचेगा क्या फिर एन वी माइनस एन आर डिवाइडेड बाय एन वाई माइनस वन एन वाई माइनस वन ठीक है ये समझ में आ गया तो यह है डिस्पर्सिव पावर के फॉर्मुले इन टर्म्स ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन एंड मेन डेविएशन और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में ये क्या है Next, sunlight. Sunlight की कौन से कौन से नेचुरल फेनोमिन होते हैं तो पहला जो हमारा फेनोमिन हैचुर कौन सा है मिराज एंड सेकेंड जो है वो है रेनबो तो दोनों के बारे में हमने ऑलरेडी सीख लिया है तो पहले आते हैं मिराज पे मिराज कैसे होता है कि सपोज समर सीजन है और ये यहाँ हमारा ऑब्जेक्ट है ट्री हमारा ऑब्जेक्ट है ट्री और जो अर्थ सरफेस है वो क्या होता है हॉट होता है समर सीजन में क्या होता है ज्यादा गर्म होता है तो यहाँ की एयर जो होगी एयर भी क्या होगी थोड़ी ज्यादा गर्म होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे एयर क्या हो जाती है कूल होती जाती है तो यहाँ हॉट एयर होगी और ऊपर जाएंगे वैसे क्या हो जाएगी कूल एयर होती जाएगी ठीक है अगर नीचे हॉट एयर है कूल तो ये एक्सपांड होगा एयर क्या होगी यहाँ एक्सपांड होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा और कूल एयर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो कूल एयर डेंसर मीडियम होगी हॉट एयर रेयर मीडियम होगी तो जब भी लाइट यहाँ से आएगा हायर डेंसर मीडियम मीन्स डेंसर टू रेयर तो वो बेंड होता जाएगा वो होता क्या जाएगा बेंड होता जाएगा और बेंड होते 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 वो इस तरह से बेंड होगा इस तरह से बेंड होगा अब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है ठीक है ये बेंडिंग हो रहा है ठीक है बेंडिंग होने के कारण क्या होता है जो भी आदमी देख रहा है जो खड़ा है जमीन के ऊपर और वो देख रहा है इस पेड़ को उसे लगेगा कि पेड़ की पेड़ यहां भी इस तरह से भी है तो ऐसे पानी जैसे दिखता है कैसे दिखता है पानी जैसे रेगिस्तान में जाओगे तो या समर सीजन में रोड पे दिखोगे तो पानी जैसा दिखता है दैट इफेक्ट इज नोन एज अ मिराज वो इस तरह से होता है कि नीचे वाली एयर गर्म हो जाती है ऊपर वाली ठंडी रहती है इट इज अ अ रेयरर मीडियम इट इज मीडियम और जब लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम आती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होती है तो ऐसे अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होते 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 ये कैसे हो जाएगी अपवर्ड मूव करने लगेगी रे क्या होगी अपवर्ड मूव करने की और लाइट जहां से आते है वहां हमें ऑब्जेक्ट दिखाई देता है तो लाइट अब हमें लगता है नीचे से आ रही है तो हमें नीचे भी वो ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो पानी पानी जैसा फील आएगा क्या होगा पानी जैसा फील आएगा एंड दिस इज नोन एज अ मिराज इसे इसे कहते हैं मिराज ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है रेनबो नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है हमारा रेनबो तो रेनबो दो टाइप के होते हैं हमारे रेनबो के मेन पॉइंट तो आपको पता है रेनबो कब दिखाई देता है रेनबो ये नॉर्मली रेनी सीजन में दिखाई देता है गे? रेनी सीजन में दिखाई देता है कहा दिखाई देगा अपोजिट सन सन के अपोजिट दिखाई देगा मीन्स अगर सन ईस्ट में होगा तो वेस्ट में और अगर सन वेस्ट में होगा तो ईस्ट में रेनबो दिखाई देगा कब दिखाई देगा मॉर्निंग एंड इवनिंग में मॉर्निंग एंड इवनिंग ठीक है मॉर्निंग में या इवनिंग में दिखाई देगा दोपहर में दिखाई नहीं देता ठीक है इसमें सेवन कलर होते हैं कितने कलर होते हैं कलर होते हैं कितने कलर रहेंगे इसमें सेवन कलर्स रहेंगे ठीक है अब ये सेवन कलर आपको पता है रेड से लेके वॉलेट रेड से लेके वॉलेट अब कभी कभी हमें रेड से लेके वॉलेट दिखते हैं वॉलेट से लेके रेड तो ऐसे दो टाइप के रेनबो दिखते हैं हमें तो एक को कहा जाता है प्राइमरी रेनबो और एक को कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो तो दो रेनबो होते हैं क्या होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी रेनबो कैसे होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऐसे दो रेनबो होते हैं एक होता है प्राइमरी रेनबो एक होता है सेकेंडरी रेनबो ठीक है ये समझ में आगे तो अगर हम हाई अल्टीट्यूड पे जाएंगे ऊपर जाएंगे तो रेनबो हमें आधा नहीं दिखेगा पूरा सर्कल में भी रेनबो दिखता है पूरा सर्कल में भी रेनबो दिखता है ठीक है ऑप्टिकल फेनोमिन एंगुलर डिस्पर्शन या डिस्पर्शन तीन फेनोमिन इसमें यूज होते हैं दैट इज रिफ्रेक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन ठीक है रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन एंड डिस्पर्शन तो प्राइमरी रेनबो जब आता है प्राइमरी रेनबो ठीक है प्राइमरी रेनबो जब हम प्राइमरी रेनबो की बात करते हैं तो वॉयलेट कलर ऊपर होता है रेड कलर नीचे होता है वॉयलेट कलर ऊपर और रेड कलर नीचे अब ये इस तरह से ड्रॉप डौ, होगा और यहां से ऊपर से लाइट अगर इंसिडेंट होती है ड्रॉप पे ऊपर ड्रॉप के ऊपर इंसिडेंट होता है तो हमें क्या मिलता है प्राइमरी रेनबो हमें क्या मिलता है प्राइमरी रेनबो तो ऊपर वॉयलेट होगा नीचे रेड होगा ओके okay, अब हमें जो दिखाई देता है रेनबो वो होता है नियर अबाउट 40 टू 43 डिग्री में या 41 वन टू फोर्टी डिग्री में अगर हमारे आई साइड से एंगल बन रहा है तो हमें रेनबो प्राइमरी दिखाई देगा मीन्स पहला क्या होगा था रिफ्रैक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया तो रिफ्रैक्शन होगा देन यहाँ रिफ्लेक्शन हो रहा है ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है कुछ रे बाहर जाएगी कुछ रे अंदर आएगी पूरा का पूरा रो रे अंदर नहीं आएगी तो ये होगा रिफ्लेक्शन एंड देन कलर सेपरेट होना मीन्स डिस्पर्शन ये होता है प्राइमरी रेनबो का केस ये क्या होता है प्राइमरी रेनबो का केस नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी रेनबो पे नेक्स्ट आते हैं सेकेंडरी रेनबो सेकेंडरी रेनबो कैसे बनता है सेकेंडरी रेनबो अगर लाइट ड्रॉप पे नीचे से इंसिडेंट होती है इस तरह से नीचे से तो यहाँ दो इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हैं दो रिफ्लेक्शन होते हैं क्या होते हैं दो रिफ्लेक्शन एंड देन कलर बाहर आएंगे देन कलर बाहर आएंगे रेड कलर ऊपर होगा वॉलेट कलर नीचे होगा रेड कलर इसे कहा जाता है सेकेंडरी रेनबो इसे क्या कहा जाता है सेकेंडरी ये नियर अबाउट ऊपर हो तो कलर होते हैं वॉलेट से रेड एंड देन नीचे रेड से वॉलेट वापस स्टार्ट हो जाते हैं तो ऐसे सेवन कलर वापस उल्टे हो जाते हैं तो हमें दोनों भी रेनबो एट अ टाइम देख सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सिर्फ डिफरेंस क्या है प्राइमरी रेनबो में एक बार रिफ्लेक्शन होता है रेनबो रेनबो में में दो बार रिफ्लेक्शन होता है। में है प्राइमरी ऊपर से लाइट इंसिडेंट होती वाला okay, तो यहां, होता है, देन आते हैं लेंस के डिफेक्ट पे, क्या आते लेंस के डिफेक्ट अगर हम लेंस के डिफेक्ट की बात करें तो पहले कहते हैं हम क्रोमेटिक ऑपरेशन पहले क्या था हमारा क्रोमैटिक जैसे मिरर में था वैसे ही सेम इसमें भी है कुछ भी इतना डिफरेंस नहीं है तो क्रोमेटिक ऑपरेशन जैसे लेंस मिरर में था वैसे ही लेंस में होगा अब क्रोमेटिक ऑपरेशन के लिए क्या होगा डिफेक्ट देखो ये है हमारा कॉन्वेक्स लेंस ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और ये हमारा कॉनक्यू लेंस ये हमारा कॉनक्यू लेंस अब कॉन्वेक्स लेंस को अगर ध्यान से देखोगे तो ये देखो दो प्रिज्म बेस टू बेस कनेक्टेड है ये ऊपर वाला प्रिज्म ये नीचे वाला प्रिज्म और कॉन्केव लेंस को देखेंगे तो दो प्रिज्म वर्टेक्स टू वर्से वर्टेक्स कनेक्टेड है इस तरह से दो प्रिज्म अगर ऐसे कनेक्ट करते तो हम कहते हैं कि ये कॉन्वेक्स लेंस है और दो प्रिज्म को अगर हम ऐसे वर्टेक्स टू वर्टेक्स कनेक्ट करते तो ये क्या होता है कॉन्केव लेंस अब देखो अगर ऐसे लेंस से अगर लाइट पास होगी ऐसे लेंस से अगर लाइट पास होगी तो क्या होगा लाइट ये प्रिज्म है प्रिज्म से जब लाइट पास करती है रिजम से जब लाइट पास करते तो क्या होते हैं वो सेवन कलर में सेपरेट हो जाती है सेवन कलर में क्या हो जाती है सेपरेट हो जाती है तो जैसे ही व्हाइट लाइट इंसिडेंट होगी लेंस पे वो सेवन कलर में सेपरेट होगी तो वॉयलेट कलर यहाँ से जाएगा ये होगा हमारा वॉयलेट कलर और रेड कलर जो होगा वो हमारा आगे रेड कलर आगे मिक्स होगा तो वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ यहाँ आएगा रेड कलर का फोकल लेंथ यहाँ आएगा और फोकल लेंथ पे क्या बनेगा इमेज बनेगा तो रेड कलर की इमेज आगे बन रही है वॉलेट के पीछे और बाकी सारे कलर के बीच में तो जब हम देखेंगे तो वो इमेज ब्लर होगी कलरफुल होगी ब्लर होगी बहुत सारे कलर उसमें दिखाई देंगे कलर कलर ठीक है तो इस तरह से हमें कलर कलर दिखाई देंगे तो डाय वो जो इमेज बनेगी वो क्लियर नहीं बनेगी और इसी को हम क्या कहेंगे क्रोमेटिक ऑपरेशन सेम केस कॉन्केव लेंस में होता है सेम केस में होता है कॉन्केव लेंस में जब ये सेपरेट होंगे तो रेड कलर जाएगा एंड देन वॉयलेट कलर जाएगा रेड कलर जाएगा देन कलर जाएगा तो यहां वो दोनों कलर इस तरह से हमें दिखाई देंगे तो यहाँ रेड कलर के लिए और यहाँ वॉलेट की इमेज बनेगी यहाँ क्या बनेगी वॉयलेट की इमेज तो ये दोनों इमेज भी कैसे होंगे कलरफुल इमेज आगे पीछे होंगे उसकी वजह से वो इमेज क्लियर दिखाई नहीं देगा कलरफुल इमेज दिखाई देगा दिस डिफेक्ट इज नोन एज अ क्रोमेटिक ऑपरेशन दिस इज नोन एज अ क्रोमेटिक Aberation. तो अगर इसको इलिमिनेट करना है इसे हमें इलिमिनेट करना है तो हमें कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है जिसे कहतेटिक कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं अक्रोमैटिक कॉम्बिनेशन तो इस इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए इलिमिनेट करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस तो दो लेंस को अगर हम कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो उसको कहते अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन अब अक्रोमोटिक कॉम्बिनेशन को अगर हमें सीखना है क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन को अगर हमें सीखना है तो हमें लेंस मेकर फॉर्मूला का यूज करना पड़ेगा लेंस मेकर अब देखो इमेज और वॉयलेट कलर का इमेज एक ही पॉइंट पे बनते हैं मीन्स रेड कलर का इमेज रेड कलर का फोकल लेंथ और वॉयलेट कलर का फोकल लेंथ और वॉयलेट कलर का भी फोकल लेंथ सेम होगा दोनों का फोकल लेंथ या दोनों का फोकस सेम होगा तो इमेज एक पॉइंट पे बनेगी और यहाँ कोई भी एरर नहीं होगा तो हमें कंडीशन क्या चाहिए दोनों भी जो फोकल लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए दोनों भी फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए तो देखो अब आते हैं हम हमने यहाँ दो लेंस लिए हैं दो लेंस को हमने कंबाइन करके रखा है दो लेंस को क्या किया है कंबाइन किया है तो फॉर फर्स्ट लेंस हम मानते हैं कि वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉइन आर टू अब ये हमारा जो फॉर्मूला है वो कौन सा है लेंस मेकर फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है लेंस मेकर फॉर्मूला तो लेंस मेकर फॉर्मूला में हम जो वन अपॉन आर वन माइनस वन अपॉन आर टू है उसको कहेंगे K1, और lens में जो दूसरा कहेंगे कहेंगे हमने दो लेंस को रखा है कॉन्टेक्ट में दो लेंस को हमने कॉन्टेक्ट में रखा है लेंस वन एंड लेंस टू लेंस वन एंड लेंस टू तो अब टोटल फोकल लेंथ कितना होगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन एफ टू लेकिन अब क्या होगा ये दोनों फोकल लेंथ अगर हमें क्रोमेटिक ऑपरेशन को रिड्यूस करना है तो अब हमारे कंडीशन क्या है दोनों रेड कलर और वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ क्या करनी चाहिए मैच करनी चाहिए रेड और वॉयलेट की फोकल लेंथ मैच करनी चाहिए तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि रेड और वॉयलेट कलर की फोकल लेंथ हम मैच करेंगे तो कंडीशन क्या होना चाहिए एफ वी इज इक्वल टू एफ आर एफ वी इज इक्वल टू एफ आर लेकिन दो लेंस कॉम्बिनेशन है तो फोकल लेंथ वॉयलेट कलर के लिए क्या होगा वन अपॉन एफ वन वी प्लस वन अपॉन एफ टू वी और रेड कलर के लिए क्या होगा वन अपॉन एफ वन आर प्लस वन अपॉन एफ टू आर ये होगा दोनों दोनों भी इक्वल होने चाहिए क्योंकि फोकल लेंथ का फॉर्मूला एफ वन प्लस एफ टू वन अपॉन एफ वन प्लस वन अपॉन f2 अब आते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या कहता है लेंस मेकर फार्मूला 1 f is equal to n 1 1 r1 1 r2 लेकिन 1 r1 और r2 को हमने k और k1 लिया है ठीक है तो लेंस 1 के लिए और लेंस 2 के लिए हम फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे n 1 वाला चलो आते हैं लेंस मेकर फार्मूला पे सो पहला n1v 1 पहला लेंस है तो k1 प्लस एन टू वी माइनस वन के टू इज इक्वल टू एन वन आर माइनस वन केन के टू अब इसको हमें सॉल्व करना है ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर में हमने सॉल्व किया है इस ठीक है तो अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा हमें चाहिए के वन बाई के टू क्या चाहिए के वन बाय के टू तो के वन वाले टर्म एक तरफ के टू वाले टर्म अगर एक तरफ लेके जाएंगे तो हमें जो आंसर मिलेगा दून टू वी माइनस एन टू आर डिवाइडेड बाय माइनस आएगा एन वन वी माइनस एन वन आर यह हमें फॉर्मूला मिलेगा ये हमें क्या मिलेगा फॉर्मूला मिलेगा इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर वन इसे कहेंगे इक्वेशन नंबर वन ठीक है के वन बाई के टू दोनों से हमने निकाल लिया ये डिटेल में लेक्चर अवेलेबल है अगर आपको ये समझ में नहीं आया कैसे आया तो आप डिटेल वाला लेक्चर हमारा चैनल में जाके देख सकते हैं ठीक है इसके बाद नेक्स्ट अब हम आएंगे मीन डेविएशन का फॉर्मूला यूज करेंगे मीन डेविएशन वाला फार्मूला अपना यूज करेंगे मीन डेविएशन वाला फॉर्मूला क्या कहता है हमें

एफ टू वाई इज इक्वल टू एन टू वाई माइनस वन के टू दोनों को डिवाइड कर लेंगे दोनों को क्या कर लेंगे हम डिवाइड कर लेंगे तो क्या आएगा दोनों को डिवाइड कर लेंगे K1 by K2 हमें चाहिए के वन बाई के टू तो के वन बाय के टू इज इक्वल टू के वन बाय के टू ये टर्म ऊपर ये टर्म नीचे जाएगा ये भी टर्म नीचे जाएगा तो कैसे होगा फॉर्मूला हमारा एन टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाय एन वन वाई माइनस वन दोनों को डिवाइड किया एन टू वाई ऊपर एन वाई नीचे ठीक है और ये के वन बाय के टू तो एफ टू वाई डिवाइडेड बाई एफ वन वाई एफ टू वाई डिवाइडेड बाई एफ वन वाई ये आया इक्वेशन टू तो दो इक्वेशन आए के वन बाई के टू के वन बाय के टू अब दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे दोनों को अगर हम कंबाइन करेंगे

अगर हम इसमें से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे डेट इज एफ टू वाई माइनस एफ वन वाई यहीं पे रखेंगे और इस टर्म को यहां भेज देंगे तो क्या होगा एन टू वी माइनस एन टू आर माइनस वन डिवाइड माइनस डिवाइडेड बाय एन टू वाई माइनस वन ये डिवाइड में आ गया डिवाइड बाय ये इस तरह से एन वन वी माइनस एन वन आर डिडेड में लेके जाएंगे एन वन वाई माइनस वन ये फॉरमूला है का, तो यह होगा माइनस ओमेगा टू बाईगा वन ये होगा हमारा डिस्पर्सिव पावर अब डिस्पर्सिव पावर देखो कभी माइनस नहीं होता लेकिन यहाँ माइनस दिया गया है मीन्स दोनों लेंस अलग अलग होंगे दोनों लेंस क्या होंगे अलग -अलाग -अलाग. अलग 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 मीन्स एक होगा कॉन्केव लेंस तो एक होगा कॉन्वेक्स लेंस तो हमें को रिमूव करने के लिए दो लेंस का यूज करना पड़ता है दोनों लेंस क्या होंगे अपोजिट होंगे एक होगा और दूसरा होगा कॉनवेक्स आते हैं स्पेरिकल ऑपरेशन स्पेरिकल ऑपरेशन हमें पता है बिकॉज ऑफ स्पेरिकल शेप जो एरर आता है उसे हम क्या कहते हैं क्या कहते हैं यहां, है। यहां भी जो इमेज बनेगा वो कैसे बनेगा स्पेरिक स, सर्कुलर बनता है यहां भी हमें हमें भी स्पेरिकल शेप की वजह से एक मार्जिनल रे होगा एक पैराएक्सियल रे होगा दोनों वजह से इमेज ब्लर बनेगा ठीक तो है तो वही कंसेप्ट है सिर्फ इसको रिड्यूस कैसे करना है वो समझते तो चीपेस्ट जो मेथड है इसका चीपेस्ट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं हम प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं क्या प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो लेंस तो पहला जो मेथड है क्या यूज प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो लेंस और प्लेन साइड कहां रहेगी प्लेन साइड अपोजिट साइड और जहां पे रे आ रही तो है तो हमें कैसे लेंस यूज करना पड़ेगा प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स एंड प्लेनो कॉन्केव लेंस सेकेंड सेकेंड जो हमारा पॉइंट है that is, हमें कुछ रेडियस के कॉम्बिनेशन यूज करने पड़े या रेडियस का रेशियो यूज करना पड़ता है, अगर 1 अगर जो कर रहे है 1 तो आर टू का वैल्यू सिक्स तो अगर ये रेशियो से हम लेंस बनाएंगे तो उसमें स्पेरिकल ऑपरेशन नहीं होता उसमें स्पेरिकल ऑपरेशन नहीं होता देन हम दो लेंस का यूज कर सकते हैं दो लेंस का यूज कर सकते हैं दो कॉन्वर्जिंग लेंस दो कॉन्वर्जिंग लेंस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस डी रखेंगे तो उससे भी स्पेरिकल ऑपरेशन नहीं होता उससे भी स्पेरिकल ऑपरेशन नहीं होता और अगर हम कॉन्वेक्स और कॉन्केव लेंस को कंबाइन में रखते हैं फिर भी स्पेरिकल ऑपरेशन नहीं होता तो ये चार जो मेथड है उससे हम स्पेरिकल ऑपरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं उसको हम क्या करते सकते हैं स्पेरिकल ऑपरेशन को रिड्यूस कर सकते हैं स्पेरिकल ऑपरेशन के बाद जो टॉपिक आ रहा है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हमारे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पहला कॉन्वेक्स लेंस दैट इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप देन कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप ये तीन इंस्ट्रूमेंट हमने ऑलरेडी स्टडी किए है अब जिसका शॉर्ट हम रिविजन करने वाले हैं तो पहले ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्यों जरूरत है क्योंकि जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वो विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है किस पे डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे मींस अगर आप नजदीक से किसी पेड़ को देखते हो तो आंखों के साथ जो एंगल बनता है वो ग्रेटर होता है ओके अगर हम दूर के पहाड़ को देख रहे हैं तो आंखों के साथ जो एंगल बनता है वो छोटा बनता है तो ये एंगुलर मैग्निफिकेशन पे डिपेंड करता है जितना ऑब्जेक्ट नजदीक उतना एंगल बड़ा मैग्निफिकेशन हो रहा है एंगुलर जितना ऑब्जेक्ट दूर जाएगा उतना वो छोटा नजर आएगा ठीक है सो ये किस पे डिपेंड करता है विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है तो इसी का यूज करके हमने इंस्ट्रूमेंट बनाए हैं तो उस इंस्ट्रूमेंट के पास क्या होता है मैग्नीफाइन पावर तो मैग्निफाइन पावर क्या होता है देखो मैग्नीफाइन पावर का डेफिनेशन एंगुलर मैग्निफिकेशन और अग्निफाइन पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल मेड बाय इमेज विजुअल एंगल मेड बाय इमेज बीटा मेड बाय द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू द विजुअल एंगल सब्सटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट वेन केप एट द लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग विजन अल्फा ओके तो ये रेशियो है मैग्नीफाइन पावर क्या है रेशो है. किसका रेशियो है सिंपल लैंग्वेज में अगर बताने जाए तो इट इज द रेशियो बिटवीन इमेज टू द ऑब्जेक्ट इमेज टू द ऑब्जेक्ट इमेज कहां पर बन रहा है और ऑब्जेक्ट को हमने अगर डी डी वी पे रखा है तो उसके साथ जो एंगल फॉर्म होते हैं दैट इज नोन एज अ मैग्नीफाइन पावर सो इट इज द रेशियो ऑफ विजुअल एंगल ऑफ इमेज टू द विजुअल एंगल ऑफ ऑब्जेक्ट एट डी डी वी तो बीटा बाय अल्फा बीटा ये समझ में आ गया एंगुलर मैग्निफिकेशन अब आते हैं हमारे पहले इंस्ट्रूमेंट पे जिसका हमें मैग्नीफाइन पावर फाइंड आउट करना है जिसका हमें मैग्नीफाइन पावर फाइंड आउट करना है तो पहला है हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप और जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस क्या है कॉन्वेक्स लेंस तो कॉन्वेक्स लेंस यूज एज अ सिंपल माइक्रोस्कोप तो देखो पहले हमने ऑब्जेक्ट को डी पे रखा इस तरह से हमने सामने रख दिया DDB पे सेंटीमीटर याद इमेज 25 25 मिलता है ऑब्जेक्ट तो रखा है तो जो आंखों के साथ एंगल बनता है वो है अल्फा वो क्या है अल्फा ठीक है अब बेटा अब हम यूज कर रहे हैं हमारा इंस्ट्रूमेंट इज सिंपल माइक्रोस्कोप जैसे ही सिंपल माइक्रोस्कोप रखेंगे ऑब्जेक्ट हमने रखा यू डिस्टेंस पे अब इससे इमेज बनेगा इमेज कहाँ बनेगा वी इतने डिस्टेंस पे इमेज बनेगा देन यहां से हम देख रहे हैं यहां से हम उसको देख रहे हैं तो एंगल जो इमेज के साथ बन रहा है दैट इज बीटा सो मैग्निफाइन पावर का हमारा फॉर्मूला हमें क्या कहता है मैग्निफाइन पावर इज इक्वल टू मैग्निफाइन पावर इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा तो इसी को हम लिखेंगे टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा देखो अब एंगल छोटे हैं एंगल छोटे है तो टैन लेंगे फिर भी कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं क्योंकि दोनों हम टेन बीटा को फाइंड करते देखो, टैन बीटा क्या होगा फ्रॉम फिगर टेन बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा क्या होता है अपोजिट हो साइड तो अपोजिट बाय एडजेसेंट अपोजिट बाय एडजेसेंट तो ये होगा ए बी डिवाइडेड बाई यू एक है ए बी डिवाइडेड बाई यू और ये होगा ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी दोनों भी यूज कर सकते हैं लेकिन जनरली हम यू वाला फॉर्मूला यूज करते हैं एंड टेन बी टेन अल्फा क्या होगा टेन अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा देखो यहां से वो फाइंड होगा ए बी बाई डी ए बी बाय दोनों को पुट कर दो सो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई यू एंड ए बी डिवाइडेड बाई डी ए बी ए बी कट दैट इज डी डिवाइडेड बाई यू सो मैग्नीफाइन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कितना आया डी बायू मैग्नीफाइन पावर इज इक्वल टू डी बायू ठीक है अब आते हैं हम लिमिटिंग केस पे स्पेशल केस पे आते हैं मैग्नीफाइन पावर मैक्सिमम कब होगा और मैग्नीफाइन पावर मिनिमम कब होगा ये हम सीखने वाले हैं तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम और मिनिमम देखो जैसे जैसे एंगल ऑब्जेक्ट जितना नजदीक आएगा एंगल बड़ा होगा और मैग्नीफाइंग ज्यादा होगा अगर ऑब्जेक्ट दूर जाएगा तो मैग्नीफिकेशन कम होता तो अगर इमेज नजदीक फॉर्म होती है और नजदीक कितना फॉर्म हो सकता है डीडीवी इतना तो इमेज अगर डीडीवी पे फॉर्म होती है तो मैग्नीफिकेशन हाई और मैग्नीफाइन पावर ज्यादा होगी और इमेज अगर दूर फॉर्म होता है इन्फिनिटी तक तो सबसे कम मैग्नीफाइन पावर होगी तो पहला केस हम लेते हैं स्पेशल केस में मैग्नीफाइन पावर क्या होनी चाहिए हमारी मैक्सिमम फॉर मैक्सिमम मैग्नीफाइन पावर चलो मैक्सिमम मैग्नीफाइन पावर के क्या होना चाहिए हमारा जो फॉर्मूला है हम यूज करेंगे वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू ये फॉर्मूला यूज करेंगे अब देखो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होने के लिए फोकल लेंथ हमारा पॉजिटिव होता है फोकल लेंथ पॉजिटिव इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज है देखो इमेज और ऑब्जेक्ट राइट हैंड साइड है फोकल लेंथ लेफ्ट सॉरी फोकल लेंथ राइट हैंड साइड है और ऑब्जेक्ट और इमेज लेफ्ट हैंड साइड है तो ये दोनों नेगेटिव होंगे और ये फोकल लेंथ क्या होगा पॉजिटिव होगा फोकल लेंथ पॉजिटिव और यू एंड वी नेगेटिव होता है दोनों को हम पुट करेंगे अब पॉजिटिव वी इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा चाहिए वी मिनिमम होना चाहिए वी क्या होना चाहिए मिनिमम दैट इज डी डी वी पे फॉर्म होना चाहिए लेकिन ये माइनस होगा ये क्या होगा माइनस क्योंकि सेम साइड पे इमेज फॉर्म हो रहा है यू यू इज ऑल्सो माइनस यू अब पुट करो क्या होगा वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन माइनस डी माइनस वन अपॉन माइनस माइनस प्लस यू ठीक है अब मैग्नीफाइन पावर का फॉर्मूला देखो मैग्नीफाइन पावर डी बाई यू तो इस इक्वेशन को डी से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ डी से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा डी बाई एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी प्लस डी बाई यू दैट इज इक्वल टू डी बाय एफ इज इक्वल टू माइनस वन प्लस डी बाई यू अब माइनस वन को यहां भेज दो तो क्या हो जाएगा ये प्लस डी बाई इज इक्वल टू डी बाई यू और डी बाई यू क्या होता है मैग्नीफाइंग पावर तो मैग्नीफाइंग पावर देयर फोर मैग्नीफाइन पावर दिस इज मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर इज इक्वल टू वन प्लस डी बाई एफ प्लस डी बाई एफ अब आते हैं मिनिमम मैग्नीफाइन पावर पे अब आते हैं मिनिमम मैग्नीफाइन पावर तो ऑब्जेक्ट हमने डी डीबी पे रखा है और इमेज फॉर्म होना चाहिए इंफिनिटी पे इमेज इमेज फॉर्म फॉर्म होना होना चाहिए चाहिए पे पे सारे टर्म सारे टर्म टर्म सेम सेम लेकिन ये याद रखना है हमें तो हमारा जो फॉर्मूला है अब यहाँ यहां से हम स्टार्ट करते हैं ठीक है इस फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं हमारे पास फॉर्मूला क्या है डी बाय एफ इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी बाय वी आएगा क्या डी बाई वी प्लस d बाई यू डी बाई u अब देखो अगर मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम पावर चाहिए m क्या होना चाहिए m मिनिमम तो मिनिमम होने के लिए v कहा इमेज कहा फॉर्म होना चाहिए इन्फिनिटी जितना इमेज दूर उतना विजुअल एंगल कम और मैग्निफिकेशन कम ठीक है तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा इन्फिनी बाकी सारे टर्म एज इट इज तो अगर हम यहाँ इन्फिनिटी पुट करेंगे तो d बाय एफ इज इक्वल टू वन अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू जीरो एंड d बाई यू एज इट इज d बाई यू एज इट इज और इसे कहते हैं मैग्नीफाइन पावर सो ये होगा मैग्नीफाइन पावर मिनिमम इज इक्वल टू d बाय एफ सो मिनिमम इतना पावर है मैक्सिमम इतना है तो इसका रेंज क्या रहेगा d बाय एफ से लेके वन प्लस डी बाय एफ ये होगा हमारा मैक्सिमम और मिनिमम मैग्नीफाइन पावर फॉर अ सिंपल माइक्रोस्कोप ये हो गया देन नेक्स्ट जो हमारा टर्म था नेक्स्ट जो हमारा टर्म था वो था कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि सिंपल माइक्रोस्कोप में एक ही लेंस यूज होता था, था अगर हमें मैग्नीफाइन पावर बढ़ानी है तो फोकस को नजदीक लाना पड़ेगा और फोकस को नजदीक लाना है लेंस को थिक करना पड़ेगा अगर लेंस थिक होती जाएगी तो उसमें अब्रेशन आएंगे या एरर आएंगे तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक लेंस को थिक करते जाओ बहुत ठीक हो जाएगा तो उसमें एरर आ जाएंगे उससे अच्छा हमने क्या किया फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज किया किसका यूज किया कंपाउंड माइक्रोस्कोप का अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं एक को कहा जाता है ऑब्जेक्टिव एक को कहा जाता है आईपीस जो ऑब्जेक्ट जिसके सामने रखते हैं उसे कहा जाता है ऑब्जेक्टिव और जहां हम आंखों को लगाते हैं वो साइड होता है आईपीस अब ऑब्जेक्टिव छोटा होता है और आईपीस बड़ा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप बायो में देखा होगा आपने तो यहां देखो ऑब्जेक्टिव छोटा होता है आईपीस बड़ा होता है ठीक है अब इन दोनों में एक सर्टन डिस्टेंस रहता है इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं या फोकस कर सकते हैं ठीक है तो अब ऑब्जेक्टिव के लिए हम साइन क्या यूज करेंगे देखो वी ओ मीन्स इमेज मेड बाय ऑब्जेक्टिव और वीई मीन्स -E ये है इमेज मेड बाय इमेज मेड बाय हमारे आईपीस ठीक है तो अब हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा है ए यहां से इमेज फॉर्म हो रहा है अंदर आईपीएस के अंदर वो इमेज दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का, का काम कर रहा है और फाइनल इमेज बन रहा है यहाँ पे ए डैश ए डबल डैश बी डबल डैश ठीक है ये समझ में आया अब हमें फाइंड करना है मैग्नीफाइन पावर तो मैग्नीफाइन पावर का हमारा फॉर्मूला एम इज इक्वल टू मैग्नीफाइन पावर क्या होता है बीटा बाय अल्फा बीटा बाय अल्फा तो इसी को हम कैसे लिखते हैं टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा टेन बीटा टेन बीटा डायग्राम से निकालेंगे हम टेन बीटा डायग्राम से देखो एक तो ए वन डैश ए वन डैश बी वन डैश डिवाइडेड बाई यू ये आएगा और यू ई e होगा ये यू ई e, और दूसरा फॉर्मूला क्या हो सकता है ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाय वी डिवाइडेड बाई वी एक तो ये फॉर्मूला होगा दूसरा दोनों में से एक यूज करना है दूसरा है हमारा टेन अब टेन अल्फा हम प्रीवियस वाले सेशन से ही लेंगे टैन अल्फा -डी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसके लिए ही होगा दैट इज ठीक है तो ये दोनों भी हम यूज करने वाले हैं ये वाले सेक्शन से हमने जो लिया ये देखो यहां हमने जो डायग्राम यूज किया था ए बी बाई डी कितना होगा डी तो हम यहाँ डी लिखेंगे क्या लिखेंगे यहाँ ए बी बाय डी तो सी से हम यूज करेंगे अब दोनों को डिवाइड कर दो दोनों को डिवाइड करेंगे तो एम इज इक्वल टू क्या होगा पहला ये वाला फॉर्मूला यूज करते ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाय यू ई डिवाइडेड बाय ए बी डी अब हम क्या करते हैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एक A -B -A -B एक तरफ, and into D by UE एक तरफ. अब देखो ए डैश बी डैश क्या है इमेज है ए डैश बी डैश इमेज और ए बी ऑब्जेक्ट तो इसे कहा जाता है लेटरल मैग्निफिकेशन ये किसके लिए है ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव के लिए इमेज ए बी है और ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट ए बी है और इमेज क्या है ए डे बी डे तो ये होगा तो इसको स्मॉल से दिखाते फॉर ऑब्जेक्टिव और डी बाई यून मैग्निफाइन पावर किसके लिए आईपीस के लिए क्योंकि नीचे ई है इन टू एम मैग्निफाइन पावर मैग्निफाइंग पावर फॉर आईपीस ठीक है तो ये हो गया हमारा मैग्निफिकेशन सो मैग्निफिकेशन फॉर द कंपाउंड माइक्रोस्कोप किससे फाइंड करते हैं एमओ दैट इज लेटरल मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव ये लेटरल मैग्निफिकेशन है लेटरल मैग्निफिकेशन अब लेटरल मैग्निफिकेशन को कैसे लिखते हैं एम जीरो इज इक्वल टू ए डैश बी डैश दट इज हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हम लिखते हैं वी ओ बाई ओ ये भी हमारा फॉर्मूला है और ये हमारा मैग्नीफाइन पावर तो मैग्नीफाइन पावर कहां से कहां वेरी होगी पावर की रेंज हमने फाइंड आउट की थी ये वेरी होगी वेरी फ्रॉम डी बाय एफ टू वन प्लस डी बाय अभी अभी हमने दो केसेस स्टडी किए वो केसेस इसके लिए एप्लीकेबल होंगे वो केसेस इसके लिए एप्लीकेबल होंगे तो ये समझ में आ गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप ये हो गया हमारे दो इंस्ट्रूमेंट और फाइनल जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है सबसे इजी वाला इंस्ट्रूमेंट और इसकी मैग्नीफाइन पावर भी फाइंड आउट करना इजी है तो ये है टेलीस्कोप अब टेलीस्कोप का यूज आपको पता है चांद तारे देखने के लिए करते हैं मोस्ट ऑफ एक्स्ट्रा टेरिस्टियल जो भी ऑब्जेक्ट है लाइक मून स्टार्स इनको देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज करते हैं या दूर के बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम टेलीस्कोप का यूज कर सकते हैं तो टेलीस्कोप में हम ऑब्जेक्ट को अब डी डी वे पे नहीं ला सकते तो अल्फा हम फाइंड आउट नहीं कर सकते कि हम नहीं बोल सकते कि ऑब्जेक्ट को हमें ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पे रखता है तो चांद अगर आपको देखना है तो चांद आप ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर पे रख के नहीं देख सकते क्योंकि वो दूर ही रहने वाला है ठीक है तो अब यहाँ अल्फा भी हम लेंस से ही लेंगे और बीटा भी हम लेंस से भी लेंगे ठीक है अब टेलीस्कोप ऐसा इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि दूर के ऑब्जेक्ट देखता है और ऑब्जेक्ट देखने के लिए हमें लाइट चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर आनी चाहिए इसलिए टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है टेलीस्कोप के केस में क्या होता है ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है और आई छोटा होता है आई क्या होता है छोटा होता है कि ज्यादा से ज्यादा लाइट स्टार से या फिर जो भी हम प्लान देख रहे हैं उसमें से अंदर आए और हम उसको फोकस कर पाए ठीक है तो अब देखो यहाँ यहाँ इन्फिनिटी से लाइट आ रहा है ऑब्जेक्टिव पे इंसिडेंट हो रहा है और इसका इमेज यहाँ बन रहा है एंड देन हम जब आई से देखते हैं तो हमें इमेज कहाँ बनेगा फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनेगा इन्फिनिटी पे इमेज बनेगा ठीक है तो ये समझ में आ गया फाइनल इमेज एट इन्फिनिटी इसलिए ज्यादा बड़ा इमेज हमें नहीं दिखाई देता ये समझ में आ गया इस तरह से ऑब्जेक्टिव और आईपीस से अब अल्फा एंगल हमने यहाँ लिया है क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल ऑब्जेक्टिव बनाएगा वो अल्फा होगा और आईपीस जो एंगल बनाएगा वो बीटा होगा वो क्या होगा बीटा होगा ठीक है चलो अब अगर हम डायग्राम पे ध्यान देते हैं फॉर्मूला मैग्नीफाइन पावर इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा और इसी को हम लिखेंगे टेन बीटा डिवाइडेड बाय टेन अल्फा तो अब टेन बीटा क्या होगा टेन बीटा इज इक्वल टू चलो टेन बीटा यह बीटा दिख रहा है आपको टेन बीटा होगा वन सेग ए बी देखो दिख रहा है ए बी डिवाइडेड बाय ये ये डिस्टेंस बायसोटेनियस होगा ये डिस्टेंस कितना है पी बी पी बी इतना डिस्टेंस है ये हमारा पी है ये पॉइंट हमारा पी है पी पी so, से बी तक का डिस्टेंस तो ये होगा हमारा पीबी पीबी बी डिवाइडेड बाय एफ ई पीबी का वैल्यू कितना है एफ ई सिमिलरली टेन अल्फा टेन अल्फा अगर हम फाइंड आउट करेंगे ये देखो टेन अल्फा अब हम ये वाला अंदर वाला साइड वाला एंगल लेंगे टेन टू क्योंकि अपोजिट एंगल दोनों एंगल सेम होंगे तो यहां भी हमारा साइड होगा बी डिवाइडेड बाय पी जीरो टू बी पी जीरो टू बी यहां होगा पी ई टू बी अब पी जीरो कितना है पीओ कितना है ये होगा ए बी और पी जीरो बी टू डिस्टेंस कितना एफ ओ एफ ओ अब दोनों को डिवाइड कर देंगे हम मैग्नीफाइन पावर इज इक्वल टू देर फोर मैग्नीफाइन पावर टेन बीटा का वैल्यू पुट करो ए बी डिवाइडेड बाई ए पी और यहां ए बी डिवाइडेड बाय एफ ओ तो ये कट हो जाएगा एफ ओ बाई एफ तो मैग्नीफाइन पावर का वैल्यू क्या आया एफ ओ तो अगर हमें दो लेंस का फोकल लेंथ पता है तो उससे हम मैग्नीफाइन पावर फाइंड आउट कर सकते हैं उससे हम मैग्नीफाइन पावर फाइंड आउट कर सकते हैं तो मैग्नीफाइन पावर समझ में आ गया इसके लिए सबसे इजी फॉर्मूला है दैट इज एफ ओ एफ ई अब अगर हम देखते हैं दोनों लेंस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है एल तो वो डिस्टेंस क्या होगा एल इज इक्वल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है L. और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस होता है L, और दैट इज उसको कैसे एग्जस्ट किया है अगर दोनों को ऐड करते हैं एफ ओ और एफी को तो ये कितना मिलता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप लेंथ ऑफ टेलीस्कोप तो ये समझ में आ गया मैग्नीफाइंग पावर तो तीनों मैग्नीफाइंग पावर हमारा निकाल लिया है हमने पूरा चैप्टर यहां फिनिश होता है तो हमारा वीडियो हम यहां अब स्टॉप करते थैंक okay? यू